लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जहां मंजिल मेरी उस रास्ते में आया। जिंदगी है एक जुनून, जिंदगी है एक जुनून, है दिलो जहन पे छाया। भाई जी, हमसे ज्यादा इंडस्ट्री देख रही तुमने है? अरे भाई ना, हमें ही चूना लगाने की सिखा रहे हो या एक घंटे को सारा कैमरामैन दो कौड़ी का इसकी माँ की पूजा करूं? कह रहा है कि जब तक क्रेन नहीं आएगी शॉट नहीं होगा। हैं, तुझे कहा था ना दो घंटे में क्रेन चाहिए, तो कहाँ है क्रेन? अरे भाई सारा जो चीज है नहीं उसको देने का वादा क्यों करते हो? वैसे सारी यूनिट यहाँ खाली बैठी है घंटे भर से और तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। अरे भाई जी, काहे टेंशन ले रहे हैं आप हैं? वो देखिए दो घंटे में कहाँ क्रेन आ जाएगी, दो घंटे में आ जाएगी। कहाँ गया वो? देखो हेलो, वो देखो, वो आ गया ट्रक। यहाँ कहाँ नहीं हो, आ गया। हम अगर टेंशन ले जाते हैं। अबे वो कैमरामैन को बोल क्रेन आ गई, शॉट लगाए फटाफट। अरे सक्सेना साहब, अरे वो पेमेंट का चेक तो बनवा दो भाई। कल आना बेटा। अरे कल भी यही कहे थे यार। तो आज नहीं कह सकता, टैक्स है कोई। ये लो ससुरा, जब रात को 2 बजे रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ता है तो तुम्हारा बीपी लो हो जाता है और हम पेमेंट मांगने आते हैं तो हाई हो जाता है। सही बात है, ऐसा ही होता बेटा। अरे तुमका पेमेंट रोकने की तनख्वाह लेते हो क्या यार? और नहीं तो क्या, काम भी दे और पेमेंट भी दे, ये कहां का उसूल है भाई। जय हिंद केबीसी सर। जय हिंद सर। क्या बात है भाई केबीसी, बड़ी इज्जत हो रही है भाई तेरी। है सब प्यार का कमाल है बच्चू। अबे ओ स्वतंत्रता सैनिक की औलाद, हैं जाके केबीसी सर के लिए एक बढ़िया सी चाय लेके आ और पानी बिस्लेरी की बोतल। जा जा और सुन, सील यहीं तोड़ूंगा मैं। क्यों, पैकअप के बाद नहीं तोड़ सकते? अभी उतारू हो गए बेटा। अभी केबीसी में पानी की बात कर रहा हूँ, बड़ा झूलझाल करते हैं यार। हाँ साले, तुझे किसी पे यकीन नहीं है? हाँ बोल भाई, कल फोन करना, इसको भी पैसे चाहिए। हाँ वो तो चाहिए ही पड़ेंगे भाई। और बता यार, क्या है तेरा? अरे अपना तो क्या है, एकदम सिक्का जम गया है। हाँ, आपकी दुआ से लाइट से लेके कैमरा तक और जूनियर आर्टिस्ट से लेकर सीनियर आर्टिस्ट तक और कस्टूम से लेकर हर छोटी बड़ी चीज केबीसी 2 मिनट में लाके सामने खड़ी कर सकता है। पूरा धंधा एकदम सेट है, लौंडे लपाड़े बोले तो आर्मी एकदम फुल। और वो विधु के यहाँ ना एक छोटा सा ऑफिस भी खोल दिया है। अबे यार तू तो खुद एक कॉमेडी फिल्म है। अरे यार सर क्या, एक भी लाइन नहीं सर? मुझसे कहा गया था पूरा का पूरा सीन है सर, मैं एक लाइन का काम नहीं करूंगा। लाइन चाहिए? जी सर। बेटा एक काम कर, फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, तू लाइनों का इंतजार मत कर, इस लाइन को चेंज कर डाल। अरे क्या कर रहे हैं यार, काहे चेंज करवा रहे हैं, मरवाओगे। एक काम कर भाई, तू ऐसा कर, इरादा पक्का रख, तेरा बस सपना पूरा हो जाएगा। तू हमारा नंबर लिख, हम तुमको लाइन ही लाइन पकड़ाएंगे। बोलिए सर। अरे यहाँ लिख 9 8 9 2 3 7 9 2 8 8 8 8 काट दे, 8 नहीं है, 8 पहले वाली। थैंक यू सर। हाँ जा तू। अरे क्या कर रहा है? अरे का है? आर्टिस्ट भाग जाएगा, वो डायरेक्टर मेरे ऊपर चिल्लाएगा, आर्टिस्ट कहाँ गया? भाग जाएगा तो हम किस लिए बैठे हैं? Hey you're late. अरे यार सॉरी, बस फिर से लेट हो गई थी। वैसे ये सब हो क्या रहा है? इतना बड़ा सेट, जूनियर आर्टिस्ट, लाइट्स,
कौन सी एड फिल्म की शूटिंग है? एड फिल्म नहीं स्टूपर, इट्स अ प्रॉपर फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म। क्या बात कर रही है? यार रजत चोपड़ा इज शूटिंग इट एंड ही इज अ बिग शॉट दीस डेज। आजकल तो उनकी बहुत डिमांड है। रियली? कमाल है भाई, सही है। पैसे उड़ाने के लिए है इनके पास, अच्छी फिल्म बनाने के लिए नहीं है ना? ए कम ऑन यार, अब इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स को तो दिखाना है ना दैट ही इज नंबर वन डायरेक्टर। एंड आशीष लेट मी टेल यू, जो दिखता है वही बिकता है। हे लिसन, व्हाई डोंट यू मीट हिम? मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ फिर तुम उनसे मिलके आ जाओ। नहीं कम ऑन यार, आए हो तो मिलो ना, कुछ बात हो जाएगी। मुझे किसी से नहीं मिलना प्लीज मेरी माँ। लेट्स गो। अरे आई हैव टू चेक ना शूट का क्या स्टेटस है, मैं देख के आती हूँ। ठीक है, आई विल जस्ट कम। अरे कम ऑन यार, कम फास्ट यार। अच्छा यू नीड कॉफी और समथिंग? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके राजा वाले, हाँ 100 रुपया पर मुकुट के हिसाब से लगा दो। हाँ 5 हो गए ना। हाँ हाँ अरे महाभारत से मार रहे हैं भाई वो पांडवों के। हाँ अवका, अरे पांडव ही पांडव थे तो 5 मार दिए तो कौन सी बड़ी बात है भाई। अच्छा मोहन भाई, ऐसा है वो 5-7 लाइट पुराना था, रिपेयर करवा लिए हैं। हाँ तो कहीं लगा दो ना। हाँ अरे कहीं भी लगा दो। अरे पैसा ऐसा कोई फिक्र मत करो, कहीं भी दिलवा देना। आओ का हाँ? अरे नहीं हाँ, अरे 5-7 ही लाइट है भाई, कहीं भी लगवा देना ना। आओ का अरे महाभारत के मारे हुए हैं। अभी समझ लो वो कौरव के मारे हैं, पांडवों के मुकुट मार दिए तो महाभारत के लाइटें मार लिए, समझ लो सब ऐसे ही कर दिए। सर जो तेरा चकराई या दिल डूबा जाए। कितना अच्छा लग रहा है ना आशीष, सुबह सुबह का वक्त, समंदर सामने, समंदर की लहरें ठंडी ठंडी, ये बंगला, उसके सामने बगीचा, बगीचे में हम, लेकिन एज ए पीजी। सही है बेटा, तुम भी सपने देखो, सपने तो देखने से ही साकार होते हैं, हर एक को देखने चाहिए। देखो देखो तुम भी देखो। I wish they come true soon. Soon. आएंगे। अरे जल्दी उठाओ। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ जी हाँ जी, हाँ आशीष बोल रहा हूँ। अरे अरे नहीं पहचान लिया सर, अरे नहीं डेफिनेटली नहीं सर, SRFTI 1999 बैच। हाँ हाँ आज ये शोली कंफर्म, हाँ कंफर्म 100% सर, 1:30 बजे आ जाता हूँ। थैंक यू। यस वाज इट कमाल की साउंड कर रही थी। कर रही थी मतलब? अरे मेरी माँ मीटिंग फीमेल होती है, थी लगाना पड़ता है। ओके लेकिन एक बात बताओ यार, मेरी कहानी में दम तो है ना? What dumb shum yaar, it's a very sensible story. You really think so na? Yeah Ashish, kitni baar puchoge tum mujhse ye? Yaar har roz ek baar hi to puchta hu. Kitni baar? Thank God for small mercies. Haan small mercies. Halat dekho meri, small mercies. Acha theek se ab malish karo meri. Time kitna ho raha hai? It's already 11. Shit, I have to rush for my shoot. Kaun sa shot? Ki? Arey Raj Chopra ka shoot hai. Chopra sahab ke kya hal kya hai? और क्या चल रहा है भाई साहब? थोड़ा बढ़िया माल भेजो भाई साहब, थोड़ा बढ़िया माल भेजो। आजकल तुमने तो माल भेजना थोड़ा कम कर दिया है। कर लेंगे यार कर लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? करेंगे यार करेंगे, कर लेंगे। हाँ 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 और क्या चल रहा है भाई साहब? हाँ करेंगे, 2-3 और कर लेंगे। चलो ठीक है, बाद में फोन करना भाई। ओके चलो ठीक है। ओके भाई, और पेस्टी देखी क्या? जी कौन सा सीन अच्छा लगा?
वैसे हर सीन में भाई साहब देगी क्या देगी क्या आपकी स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ी, बजट बहुत बड़ा है सर। बजट बहुत ज्यादा बजट है, थोड़ा कम करो भाई साहब, थोड़ा कम करो, कॉस्ट्यूम कम कर दो, कॉस्ट्यूम कम कर दो और पिक्चर बढ़िया बना दो। ग्लैमरियस बनाओ, ग्लैमरियस समझे क्या, ग्लैमरियस बनाओ। दो घंटे से तुम्हारे इंतजार में पक रहे हैं यहाँ, पता है आपको? अरे यार हुआ बहुत मचमच हो गया है, उस 14 नंबर फ्लोर पर ससुरा शूटिंग चल रहा है, डायरेक्टर को कुछ पता नहीं है, हमने पूरा बंबई का कबाड़ लाके इकट्ठा कर दिया, कहता है लाते रहो जो जरूरत होगी वो लगा देंगे। और पैसा उसका बाप देगा हरामखोर का, समझ नहीं आता यार, जब सारे इनको काम आता ही नहीं तो प्रोड्यूसर फिल्म बनाने को देता कैसे है। अरे यार यही तो झोल है, वो डायरेक्टर है ना वो प्रोड्यूसर की बीवी का भांजा है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर फाइनेंसर का चूना लगा रहे हैं ससुरे। हैं बहन के भाई जो नहीं चाहिए वो सब कुछ चला रहा है, हैं और जो चाहिए उसका कहीं अता पता नहीं है। कहते हैं केबीसी भाई पैसों की फिक्र मत करो, दबा के बिल बनाते रहो, 50% हमारा 50% तुम्हारा। यही ऐसे ही लोगों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम है, है सारा। पैसे की कदर ही नहीं है साला। यार ये जो ना ये जो सप्लायर की जिंदगी से हम तंग आ गए हैं ससुर, हमको लगता है हम हूँ कभी प्रोड्यूसर बन जाए साला। अरे तो बना क्यों नहीं लेता, हाँ बना डाल। अरे मेरी बात सुन, देख जुगाड़ू तो तू है ही है, हाँ और सारी इंडस्ट्री तुम्हें जानती भी है, और तुम्हें क्या, तुम्हें तो बाप को भी जानती है इंडस्ट्री, बना डाल फिल्म। अरे बाप को जानती है लेकिन पैसा नहीं जानता ना। अरे तुझे क्या लगता है ये जो इतनी फिल्में बना रहे हैं लोग, ये साले इनके बाप ज्यादा पैसे छोड़ के गए थे जो बना रहे हैं? अरे थोड़ा सा अपना पैसा लगा के फिल्म शुरू करने का, बाकी पैसे अपने आप इंडस्ट्री दे देगी। अरे नेक इरादा होना चाहिए, तू शुरू कर, देख कैसे लोग तेरे पीछे आ जाते हैं अपने आप। अरे नहीं यार, बात साला ये है कि साला पैसा फिल्म बनाने में खर्चा नहीं होता, स्टार लोग बहुत पैसा ले जाता है यार। अरे बेटा केबीसी तो फिर एकदम छोटी फिल्म शुरू करो ना, एकदम छोटी लो बजट। ये जो इतने सारे नए लौंडे लौंडियां ट्रेनिंग लेके घूम रहे हैं उनको अपने साथ रखो, उन्हें अपने साथ जोड़ लो, छोटी फिल्म तो शुरू तो कर, देख कैसे लोग तेरे आगे पीछे दौड़ते हैं। हम है ना यार, शुरू कर, फिल्में ऐसे शुरू होती है। हाँ हाँ यार बात तो तू सही कह रहा है, अभी ससुरा के बी सी प्रोड्यूसर बन के ही दिखाएगा तुम्हारी तो। शाबाश। एक्सक्यूज मैम, या 11 बजे मेरा जरा जेके जी के साथ अपॉइंटमेंट था। यस सर, आगे से राइट। थैंक यू। आप देखिए आप सही जगह आए, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, बस देखते रहिए। हेलो सर जी। हाँ आशीष जी, 11 बजे मेरा जेके जी के साथ अपॉइंटमेंट था। अरे आशीष जी, आप आपका काफी देर से वेट करें सर। अरे आप थोड़ा लेट हो गए सर, आइए सर। सर आशीष जी आए सर। अच्छा, और दिल्ली यूपी? ओह नो, बिहार? मैंने तो कहा था भाई, मैंने तो कहा था कि सेटअप पे ध्यान दो। हाँ चलो करता हूँ बाद में, कर तो रहा हूँ दूसरी स्क्रिप्ट, लेकिन अच्छा मैं करता हूँ बात। हाँ बोलिए सर। वो मेरी स्क्रिप्ट आपने पढ़ी? हाँ हाँ स्क्रिप्ट देखी मैंने, इसमें सेटअप क्या है, बजट क्या है, स्टार वैल्यू क्या है, ये सब मेंशन नहीं किया आपने, कौन है? सर वो सेटअप मैं समझा नहीं। सेटअप मतलब स्टार, स्टार लाइक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। सर इस स्क्रिप्ट में एक एक्टर, इसका नाम अक्षय शर्मा, वो इसका ही हीरो। क्या है ये अक्षय शर्मा? सर देखिए, वो देखिए हमारी जो फिल्म है सर, स्क्रिप्ट जो है वो हमारी फिल्म की धड़कनें जान है। अगर स्क्रिप्ट ठीक होगी तो फिर सब। सर आप जानते हैं ऑडियंस का मूड क्या है, ऑडियंस क्या है, वो क्या चाहती है, वो आपके इन चार कागज के पन्ने पे लिखी बातों को पढ़ने देखने के लिए आएगी, वो स्टार्स को देखने के लिए आती है। एक प्रोड्यूसर पैसे क्यों लगाता है? खैर बताइए आपकी कहानी क्या है, बताइए आप। देखिए सर ये एक आम आदमी की कहानी है,
जो भारत जैसे विशाल देश के किसी गांव में रहता है। सारे लोगों के मना करने पर भी वो बड़े बड़े सपने देखता है। अपने सपने साकार करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अपना गांव, माँ बाप सब कुछ छोड़कर मुंबई चला जाता है। अब भीड़ भाड़ में बिल्कुल अकेला है सर। आप मुझे सुनिए, मैं ये सब कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप मुझे टीच करने के लिए आए हैं, हैं? क्या ऑडियंस इस मूड को नहीं समझती? मैं आपसे बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ कि आपकी फिल्म का सेटअप क्या है। सेटअप बहुत जरूरी है। सर देखिए, स्टार्स भी कभी स्टार्स बनके तो नहीं आते। एक आध परफॉर्मेंस, एक आध हिट देने के बाद ही वो स्टार्स बनते हैं सर। आप नए लोगों को लेंगे तब जाके वो एक आध परफॉर्मेंस के बाद। 25 साल से यहाँ झक मार रहा हूँ, आप मुझे समझाने आए हैं, मुझे टीच करने आए हैं यहाँ पर? क्या कहानी है ये आपकी, क्या है इसमें? देखिए सर, अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छी कहानी है। स्टैंड अप, स्टैंड अप एंड गेट आउट। ले जाइए आप अपना सब। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। मेरी स्क्रिप्ट सुनिए सर, मेरी स्क्रिप्ट सुनिए। यहां साला 5 करोड़ का नुकसान हो गया। उस्ताद जी, उस्ताद जी। अरे हट ससुर, ब्रेक लगा। उस्ताद जी बता, मेरी पोस्ट क्या होगी? स्मार्ट बॉय और का। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ईपी बनाएंगे, ईपी 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 ईपी। अरे ससुर, पीपी आ रहा है, सवेरे सवेरे पी लिया है का? अरे नहीं उस्ताद जी, ईपी बोले तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। ईपी उस्ताद जी, वो चीज ढूंढ के लाया हो ना जिसकी आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमी है। का? कहानी, वो भी अच्छी। अच्छा, और मतलब की बात, कहानी के साथ डायरेक्टर फ्री। अरे वो सब ठीक है, लेकिन कहानी कहाँ है ससुर? अब ये हमें मालूम नहीं है। अरे कहानी के चक्कर में कहाँ पड़ते हैं आप? आग है आग, बहुत डेंजर है डेंजर। बम का गोला है का? एटम बम। एटम बम में तो लगा, फोन लगा, पकड़ पकड़ फोन लगा। अच्छा छोड़, मोबाइल लगा तू। मोबाइल कहाँ? अरे मोबाइल लगा, जब कह रहे ससुर मोबाइल लगा, निकाल मोबाइल। इंप्रेशन पड़ता है मोबाइल से, लगा। इंप्रेशन पड़ता है? अरे बैलेंस भी तो होना चाहिए इसमें। अरे बैलेंस को मार, हमारा मोबाइल ले तू। इसको रख, कहाँ रखा है? अरे लगाते हैं उस्ताद जी, लगाते हैं। हाँ लगा। मालूम है आपका बैलेंस जो है। हाँ लगा, जल्दी लगा। हे योर फोन। थैंक यू। हेलो हेलो, रघु बोले सर, केबीसी कंपनी से सर। कौन रघु? अरे सर वही सर जो आप आए थे ना हमारे ऑफिस में, जेके जी के ऑफिस में। हाँ बोलो सर। एक नई कंपनी ज्वाइन की सर, एज ए ईपी सर। हम तो कहते हैं कि आप कहानी का निर्देशन दे दो आकर सर। अभी हमने प्रोड्यूसर साहब को आपकी कहानी सुनाई सर, उन्हें बहुत पसंद आई सर। हाँ। अरे आपकी कहानी पे फिल्म बन रही सर। हाँ। अरे सर हम कहते हैं आज आ जाइए सर। अच्छा, एड्रेस नोट कीजिए सर। हाँ, एक मिनट। ये लो, मैं लिखती हूँ। केबीसी प्रोडक्शन, मकान नंबर 1051। 1051 केबीसी प्रोडक्शन, बिटवीन कुरैशी मटन शॉप एंड सरकारी ठेका। बिटवीन कुरैशी मटन शॉप एंड सरकारी ठेका। ऑन द नाला। ऑन द नाला, अपोजिट सरकारी शौचालय, पुराना शमशान, तेली गली। एक मिनट। अच्छा हाँ, अपोजिट सरकारी शौचालय। हाँ, पुराना शमशान। ओके, तेली गली। ठीक है, तेली गली अंधेरी। हाँ जी, हाँ जी, अभी पहुँचता हूँ मैं। ठीक है सर। वाह उस्ताद जी वाह, क्या एड्रेस है आपका। ऐसा लगता है जैसे आने वाली 10 फिल्मों के टाइटल एक साथ रिलीज हो गए। अरे बोला क्या? अरे आ रहे हैं उस्ताद जी। कैसा एड्रेस है, कहाँ से फोन आया तुम्हें? अरे प्रोड्यूसर है, अभी बुलाया मीटिंग के लिए, अर्जेंट। पर तुम इसके ऑफिस में जाओगे, एड्रेस तो देखो। अरे वो इस एड्रेस से फोन कर सकता है तो मैं इस एड्रेस पे जा नहीं सकता। आई एम लीविंग राइट नाउ, बाय। अच्छा आई विल ऑल्सो कम अलोंग, वेट। एड्रेस तो यही है बट ये, चलो लेट्स गो। हे कम ऑन, वेट, अब मिल के जाना। यार तुम्हारी बातों में कभी लॉजिक नहीं होता सीरियसली। अरे यार यू नेवर नो, मिल के पता चलेगा। हाय सर। हाय मैम। अभी भी जा सकते हैं, बोल रहा हूं। बिहेव योरसेल्फ। क्या ये, दिस इज अ गुड आउट। कम ऑन यार, यू नेवर नो। अरे क्या नेवर नो, जस्ट लुक एट दिस। अरे उस्ताद जी आ गए। आओ बैठो भाई, बैठ जाओ।
Hi, I'm Avantika. अच्छा. क्या आशीष? हेलो सर. क्या लोगे? पानी. पानी. पानी ले जा. जी उस्ताद जी. हाँ भाई, काहे बनाना चाह रहे हो फिल्म? अरे बोलो भाई. आप मुझे एक बात बताइए, लोग फिल्में क्यों बनाते हैं? लोग फिल्में देखने क्यों जाते हैं सर? एक आम आदमी जो अपनी मेहनत की कमाई हुए पैसों से एक फिल्म की महंगी टिकट खरीदता है, किसी तरह से जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ, ट्रैफिक से अपने सिनेमा हॉल की सीट तक पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है सर? क्या होता है सर? फिल्म शुरू होती है और फिल्म इंडस्ट्री वाले उसे ठग लेते हैं. वो अपने आप को कोसता है सर. वो सोचता है कि उसने अपना वक्त क्यों बर्बाद किया, अपने पैसे क्यों बर्बाद किए. वो क्या बेवकूफ है? सर, मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूं जो आम आदमी को एक ऐसी सपनों की दुनिया में ले जाए जहां पूरी तरह से खो सके. वो सारी चीजें देखे जो उसकी वास्तव जिंदगी में नहीं है. और 3 घंटे बाद सर, जब वो सपना टूटेगा और फिल्म खत्म होगी, तो वो सारे लोग सोचेंगे कि काश ये सपना कभी खत्म नहीं होता. और तब जाकर वो हमारी फिल्म की टिकट दोबारा खरीदेंगे और ये फिल्म हिट. केबीसी भाई, आप रो क्यों रहे हैं? अरे 25 साल से डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सबसे मिलता रहा हूं, लेकिन आज पहली दफा कोई ऐसा मिला है जो मेरी तरह सोचता रहे. अरे अंदर जो कुछ दबा था तूने सब बाहर निकाल दिया रे. अरे कहां छुप गया था तू कटार? तुझे ढूंढते ढूंढते पांव में छाले पड़ गए. एक एक स्टूडियो छान मारा तब कहीं जाके तू हाथ लगा रहे. अरे अरे उस्ताद जी, लड्डू मुआओं की नारियल फोड़ू? अरे जो फोड़ना फोड़ दे, आज से प्रोडक्शन शुरू. केबीसी भाई, हम आपका मतलब नहीं समझे. अरे इसमें समझना क्या है? अब क्या समझना? कुछ बचा समझने के लिए? बता. अरे लेकिन ये मजाक थोड़ी है. फिल्म ऐसे कैसे बन जाएगी? सेट चाहिए, प्रोडक्शन टीम चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, कैमरा चाहिए, कैमरामैन चाहिए, पैसे चाहिए. अरे मेरे झंडू बाम, इतनी देर से काम कब तक क्लिक कर रहे थे? तू डायरेक्टर है ना? बोल हाँ कि ना. हाँ हूँ. प्रोडक्शन मैं बैठा हूँ, तू है, ये है और ये है रघु. अरे हम मिलकर क्या नहीं कर सकते? लो बन गया ना ये यूनिट. हैं तुझे पैसा, पैसों के लिए फिल्म बना रहे तू? पैसों के लिए? अरे पहले बताना था ना कि पैसों के लिए बना रहे तू. नहीं. अरे तो कन्नू डॉक्टर ने कहा था कोई दूसरा काम करते. बाकी तुम्हारे टकसाल है का? जाओ ले आओ, बहुत पैसा है तो. चल आज ही मुहूर्त करते हैं. चल 11 रुपए दे, जल्दी 11 रुपए दे. नहीं नहीं नहीं, हजमत केबीसी भाई, जरूरत नहीं. अभी हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं. नहीं केबीसी भाई, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं. ला 1 रुपया और दे. ये लो 51 रुपया, साबुन रख लियो. सर ये मेरा पहला साइनिंग अमाउंट है, इसे मैं अपने से दूर कभी नहीं करूंगा. ये मेरे लिए गुड लक है. शुभिला डाला इसमें से ठंडा लेके आ जावे. जी रुक जा, इसे का इसे का रख ले. बढ़िया है, 1 रुपया तो रखो. हाँ हेलो हेलो. हाँ हेलो. आशीष 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 बोल रहा हूँ. अक्षय. हेलो अक्षय. हाँ आशीष बोल रहा हूँ. नहीं नहीं, क्या सोचा? नहीं नहीं, सिर्फ 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 10 दिन चाहिए, सिर्फ 10 दिन, पूरा काम निपटा लूंगा. नहीं अरे यार अक्षय, तूने बोला था ना यार, पहली फिल्म में कमिटमेंट है, तू मेरी पहली फिल्म करेगा. तूने तूने बोला था यार. लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके. यार 4 दिन. आई कैन अंडरस्टैंड. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन ठीक है. नहीं नहीं, हेलो 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 हेलो. पहला
काला प्यार भर के आंखों में कुमार कहे जादूगर कहे मुंह लटका लिया भाई अब नहीं सर वो मैंने कहा था ना मैं अक्षय से बात करूंगा वो मैंने बात कर ली सर क्या कर ली वो मान गया ना सर वो चार दिन देने को तैयार है सर चार दिन में कौन सा फिल्म बन जाएगा भाई चार दिन तू तो कहता है तुम्हारा दोस्त है हैं सर दोस्त है वो मान तो गया ना सर वो एक्चुअली चार दिन ज्यादा देता था लेकिन वो जेन्युइन प्रॉब्लम है सर उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है अब क्या कह रहा है कि अगले साल तक डेट नहीं है हैं दूसरा कमिटमेंट है यही कह रहा है ना आपको कैसे पता अरे बेटा हमने ऐसे ही घास नहीं छीली ये इंडस्ट्री है उगते सूरज को सब सलाम करते हैं देखना जिस दिन तेरी फिल्म हिट हो जाएगी ना तो सब हीरो हीरोइन तेरे आगे पीछे कैलेंडर लिए घूमेंगे सर वो जब मेरी फिल्म हिट होगी तब होगी सर अब फिल्म कैसे बनाए शूटिंग शुरू करनी है हीरो ही नहीं है मालूम रहा बेटा हाँ ये प्रॉब्लम आएगा वो देख इससे पहले हमें खड़ा कर दिए हैं वो देख वो सामने हीरो अरे हीरो नहीं तो कहा हीरो से कम लग रहा है क्या देख जटा कछोरा आजा भाई आजा अब तेरे दरवाजे पे खड़े रहने का काम खत्म केबीसी भाई किसे पकड़ कर लिया है बिल्कुल जोकर लग रहा है जोकर अरे ऋतिक रोशन से कम है का हैं इसका फाइट नहीं देखे हैं और एक्टिंग उससे 20 ही है 19 नहीं हां फर्क इतना है कि उसके बाप का नाम है राकेश रोशन और इनके बाप का नाम है देख बेटा ये हैं डायरेक्टर साहब इनको नमस्ते करो और बाप का नाम बगैर रख के बता चलो राम राम हाँ कान खोल के सुन लो जी एक बार बोलूंगा बार बार नहीं मेरा नाम सोमवीर जाखड़ बाप का नाम भीम सिंह जाखड़ जिला रोहतक स्टेट हरियाणा आठवीं दसवीं और बारहवीं करने के बाद भी मैंने बीए कर रखी है वो भी साइकोलॉजी में हाँ जी सब समझता हूँ कि किसके मन में के चल रहा है हाँ इसके पहले कुछ काम वाम किया है हाँ जी इससे पहले मैं अपने हरियाणा में रामलीला करता था जी और पूरे हरियाणा की रामलीला कंपटीशन में मैंने फर्स्ट प्राइज मिलता था वेरी गुड बॉम्बे मुंबई में कुछ काम वाम किया है तुमने हाँ जी वोड्रा में किए मैंने मुंबई के सारे धार्मिक सीरियलों में काम किया है जी और ताऊ गौर करने वाली बात है वो भी देवता के रोल ताऊ पता है 1.5 फुट ऊंचा खड़ा करके कहते थे कि मुस्कुराओ और नीचे देख के गहराई नापो ताऊ मैं सोचने लग गया कि ससुरा 1.5 फुट ऊंचा खड़ा होके कि आदमी पताल में घुस जाएगा डायरेक्टर कहता मुस्कुराओ मैं मुस्कुराता बोला आंख निकालो मैं आंख निकालता बोला और निकालो मैं और निकालता बोला और निकालो फिर के मैं बोला डायरेक्टर साहब ई तो ज्यादा ना निकलती मेरी आंख ज्यादा बोलेगा ना तेरी निकाल के गोटी खेलूंगा हाँ शाबाश रे सुमीर सर आप 2 मिनट दे सकते हैं हमें थोड़ी सी वार्तालाप करनी है बस कुछ मालवाल की बात करनी है तो यही कर लो मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं, नहीं है नहीं 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 वैसे वो सब कुछ नहीं है एकदम एकदम बिल्कुल देवता लगते हैं बिल्कुल करो करो एकदम देवता क्या बात कर देंगे सर आप पूरे का पूरा कार्टून नेट होगा किसे पकड़ के लाते हैं आप कार्टून अरे हीरो से कम है क्या भाई है? एक फिल्म हिट होने दे फिर देख कैसे हीरो बनता है ये तू फेल या पास ये बता मेरे को क्या हुआ कैसे लग रहा है ठीक नहीं है क्या अरे यार तुम फिल्म बनाओ भाई क्या बात करते हो जो करना करो फिर अरे तो बुलाओ फिर उसको अरे अरे तो उसने अपनी एक बात बताई है और क्या है हाँ आजा भाई हाँ बताओ जी पास के फेल चलो हमने तो पास कर दिया तुमको पास बताओ जी पास कर दिया कमाल हो गया ओ मास्टर जी थैंक यू आपने पास कर दिया ऐताऊ देखो बजरंगबली कृपा आज मैं हीरो बन गया हूं हैं लगे आता आप भी आशीर्वाद दे ही दो जीते रहे जीते रहे हां सर लगे आता हमें भी आशीर्वाद दे ही दो हां भाई हम सब मिलके काम करेंगे केबीसी भाई यू आर क्रेजी हैं सही है जी अरे होगा अच्छा तू चल उसकी बात कर कौन सी बात आऊ वो यो के पी 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 से ओ ताऊ दिए तो पैसे अबे वो तो आधे रहे पूरा पैसा कहाँ है पूरा अब ताऊ कही था ना बापू फिल्म खत्म होने के बाद दे देगा खत्म होने की जरूरत नहीं है अभी चाहिए अभी इसी वक्त बापू से बात कर चल अभी करनी पड़ेगी लगा फोन लगा बापू से बात कर लो ताऊ एन वक्त पे ना बैलेंस ही खत्म हो गया
अरे बैलेंस यार है? ये ले बैलेंस ही बैलेंस है, बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन इसमें है बैलेंस। कर फोन जल्दी लगा। हेलो बापू, जय राम जी की। मैं बोल रहा हूँ सोमू। हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बापू बजरंग बली कृपा तो तेरा छोरा हीरो बन गया। हाँ बापू कमाल हो गया। हाँ हाँ बापू एक काम कर, पूरे गांव में लड्डू बंटवा दे फटाफट। हाँ माँ कैसी है? अरे है बात करा माँ को छोड़, पैसे की बात करिए। हाँ आता हूँ एक मिनट। माँ पाए लागू। माँ तेरा सोमू हीरो बन गया, छोरा लट गड़ गया। माँ हाँ हाँ माँ वो एक काम करियो, अपने गांव का छोरा रहना मुंबई में, हाँ उसके हाथ 5 किलो देसी घी भिजवा दियो, वो थोड़ा खत्म हो गया है। हाँ हाँ छोटू है, बात करना चाहे दे दे माँ, दे बात करा। ताऊ 2 मिनट। हाँ 2 मिनट नहीं यार, छोटू की छोड़ छोटू को, पैसे की बात कर। छोटू और छोरे, ताऊ और छोरे, के हाल चाल, तू पास हो गया? के बात कर रहा है, तू पास हो गया? हाँ थर्ड डिवीजन ए नकल जी झूठे, तू पक्का नकल तो पास हो गया होगा। हाँ चले काम कर नकल जी, वो मेरा दोस्त है ना। हाँ हाँ रूंडा, उठ जा के कि उसका दोस्त सोमू हीरो बन गया। हाँ ठीक है, वो बाकी काम अपने आप कर देगा। जल्दी बात कर यार, पैसे की बात। एक काम कर, ये प्रोड्यूसर पीछे पड़ रहा है, फटाफट वो बापू को फोन दे। हैं कित गया? दूसरे घर में? ओहो चल ठीक है, तू जीता रहे, बाद में बात करता हूँ। जय बजरंगबली। तब कमाल हो गया, पूरे 1 महीने बाद पूरी फैमिली तो बात हो गई है। ये लो थैंक यू है। बगैर पैसे के बजरंगबली कर दी तूने? हैं पैसे की बात नहीं की? वो तो ताऊ बापू वहाँ थे ही नहीं। थे नहीं? अरे पहले तो फोन बापू ने उठाया था यार। हाँ उठाया था, पर क्या हुआ ना, बापू वहीं रह गए पर बात करते करते फोन दूसरे घर पहुँच गया। अरे तेरा बेड़ा कर रखी यार तू। बापू से फिर से बात कर, पैसों की बात कर। फिर से बात करूँ? हाँ घर वालों से सबसे बात हो गई? सबसे हो गई। कोई नहीं बचा? कोई नहीं बचा। मोहल्ले पड़ोस में कोई नहीं बचा? कोई नहीं बचा था। सीधे बापू से बात कर, कोई इमोशनल बात नहीं, सीधा पैसों की बात। पैसा मुंडी धर करके बात कर तू यार, मुझे नहीं देखेगा तू पैसा नहीं याद रखेगा। पैसे का बोल, पैसे का तो कर रहा हूँ ना, फिल्म से निकाल दूंगा बता रहा हूँ मैं। अरे उस्ताद जी रिलैक्स, तू क्यों छट रहा है? हेलो बापू, हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ दोबारा तो बोल रहा हूँ। हाँ अरे नहीं बापू, वो एक बात थी, नहीं फिल्म वाली तो मैंने बता दी थी, हीरो तो मैं बन गया हूँ। ओके है ना, वो हमारा प्रोड्यूसर है ना, उगी काल जेब कट गई, हाँ रेल में, अब पैसे नहीं है उसके पास। मैंने कहा मेरा बापू है, दे देगा पैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात कर रहे हो बापू? अरे नहीं नहीं नहीं, प्रोड्यूसर है, कबाड़ी थोड़ी ना। ना ना बापू, ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ जय बजरंगबली, पाए लागू। देखिए ताऊ मैं स्टार नहीं बना, उससे पहले आपने मेरी बेइज्जती करा दी। क्या हो गया? बापू बोला कि किस कबाड़ी के पल्ले पड़ गया तू, जा सीधा सुभाष जी दौरे। लो ये सुभाष कौन है यार? सुभाष गई जी, वो हमारे रोहतक के, मेरे बापू के क्लास में थे समझे। देखता हूँ मेरी बात सुन, जानते हैं अब की बार तो मैंने अपने बापू को मना लिया है, लेकिन अगली बार अगर वो बुरा मान गए ना, मैं सीधा चला जाऊंगा सुभाष जी दौर बस। हाँ देखता हूँ मेरी बात सुन, जानते हैं हम जाट हैं, दिल की भाषा समझते हैं, इसे ही कोनी समझे। अरे यार टोन बदल ले अपना, अरे तू काहे डर रहा है, तू तो मेरा हीरो है मेरे लाल। थैंक यू ताऊ। ताऊ एक बात करनी थी, वो जरा हीरोइन ना आप मेरे लेवल की लेना, थोड़ी काची सी। काची सी? फिसली जाए पकड़ न आए, है पतंग की डोर जिंदगी। फिसली फिसली जाए पकड़ न आए, है पतंग की डोर जिंदगी। जरा सी ढील दे, थोड़ा रिलैक्स ले, खुल के थोड़ा सांस ले कभी। भागता क्यों है भागता, ऐ बेदा
ले यूं एक दिन तुझे लगे ना लो गुजर गई फिसली फिसली जाए पकड़ ना आए है पतंग की डोर जिंदगी फिसली फिसली जाए पकड़ ना आए है पतंग की डोर जिंदगी जरा सी ढील दे थोड़ा रिलैक्स ले खुल के थोड़ा सांस ले कभी अरे इतनी जोर से ब्रेक लगाने क्या जरूरत है तो इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी आपको अरे हम कब से चिल्लाते आ रहे हैं कि रोक 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 साले लोकेशन पीछे रह गया तो क्या हो गया ताऊ गाड़ी बैक कर लेते हैं चल भाई लगा ले बैक गियर चल लगा पीछे गाड़ी बैक नहीं होगी रिवर्स गियर नहीं है ताऊ कहां से मिल गए लड्डा बस अरे इनके बैक गियर भी नहीं है इनके काम ऐसे ही होते हैं हमेशा अरे जुगाड़ू काम ऐसे ही होता है भैया सही है क्या जुगाड़ू आप क्या करें आओ ना हम लगाते हैं रिवर्स आओ चलो भाई अब लगा धक्का चलो लगा लगा ये भी करना पड़ेगा लगा धक्का अरे डुल्ला नहीं कर सर चलो लगा धक्का बहुत बढ़िया अरे आप क्यों लगा रहे हैं हम लोग है ना आप क्यों कष्ट करते हैं अरे मिलजुल कर काम करना चाहिए भाई लगा देता हूँ डह गया तो सारे पैसे ही क्रियाक्रम में खर्च हो जाएंगे अरे पैसे होंगे तब ना खर्च होंगे चलो कैसी जगह है ये यहाँ के जंगल में मोरनी ढूंढ रहा था अरे मोरनी नहीं यार उस ससुर चौकीदार हमारे दोस्त का भतीजा रहा घूस दे गए ससुरा कह रहा था कि यहीं पिछवाड़े में मिलेंगे शूटिंग करवाने के लिए पता नहीं कौन सा पिछवाड़ा है साला आई शुड नेवर अंडरस्टैंड नेवर ए ललन वाले ललन ए ललन ललन चाचा यहाँ है भाई अरे ससुर कहाँ मर गया रे साला पूरी दुनिया छान मार रहा तू यहाँ पड़ा हुआ है अरे तो पिछाड़ी बोले थे तो पिछाड़ी तो खड़ा हूँ और वो कहाँ है उस तरफ वो अगाड़ी है जहाँ रहे हो ये पिछाड़ी है ए ससुर इतना बड़ा बिल्डिंग का एक छोटा सा पिछाड़ा है इस साला बिल्डिंग का पिछाड़ा है कि भैंसी का पिछाड़ा चाचा क्या बात कर रहे हो यहाँ पहले भैंसी तो बंधत रही वो खूंटा देख रहे हो ना हुआ भैंसी बंधत रही और जब बहुत रिसाए जाए ना वो भैंसिया तो एक बार एक ठो ऐसे दीवार में दुई पिछाड़ी मारिस और दुई पिछाड़ी मारिस तो पिछाड़ी का पिछाड़ा होएगा वारा अरे पिछाड़ी पिछाड़ा छोड़ वो साला इतना बड़ा ताला काहे लगा हुआ आगे अजय चाचा वो जो हमारे सेठ रहे हैं ना महेश्वरी बाबू उनके जोन बड़े ताऊ रहे हैं ओकर जीजा के फूफा और फूफा के जोन छोटी भतीजी रही हैं उनके जोन छोटे देवर के साले रहे हैं वही कुछ रहा है खूबसूरत सी रही भतीजी भाई हमका इतना मालूम है और तोका और लिस्ट चाहिए ना तो इलाहाबाद जाए के संगम में पता कर लो सब मालूम चल जाए तो कहाँ अरे चल 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 के पूरा यूनिट को बुला तू अंदर चल अच्छा बारात ले आए का पूरी अरे बारात का आएगी तू भी आ जाएगा अभी चल अंदर साला तुझे शूटिंग करवाना है ना अच्छा एक रिक्वेस्ट है हमारी हमऊ को एक रोल दे दो देखो हमारी शादी नहीं हुई ना शादी हो जाएगी ना तो जानते हो कि अरे तो पहले शूटिंग करवाएगा तब ना शादी होगा तेरा हैं पहले शूटिंग करवा उसके बाद सोचेंगे हम चल रोल दे होगे अरे भेजा फ्राई मत कर यार तू हमरा अरे कहाँ भेजा फ्राई लगाओ चाचा इसके पहले ही 25 शूटिंग करवाया हूँ और सब हमसे वादा किए कि हाँ रोल देंगे कोनो हमका रोल नहीं दिया भूतिया बना के चले गए ऐसे ही तुम चले जाओगे हमारी शादी होगी नहीं हम जानते हैं ठीक है साला हम कल दूसरी जगह देखेंगे तू पड़ा रहे ससुर हम नहीं करवाएंगे शूटिंग करवाएगा चला जा फिर सुनो चाचा सेंटर ले सेंटर सेंटर हाँ सेंटर देख भाई रघु यही वो जगह है जहाँ अपना सपना पूरा होगा देखो भाई बढ़िया सा अच्छा यहाँ चमका के चकाचक ऐसा बढ़िया लाइटिंग करो कि बस मजा आ जाए फिल्म बनाने में समझे हाँ काहे कि हम सबका सपना यही पूरा होगा अभी अपना सपना ना संडास में जाके पूरा करना यहाँ नहीं अरे ससुर बदबूदार आदमी कैसे बदबूदार बात करता है रे हैं साला सवेरे सवेरे लोटा लेके नहीं गया का बरोबर गया था पर अब तुम सब लोग यहाँ वही करना शूटिंग नहीं काहे शूटिंग काहे नहीं करेंगे बिजली कहाँ है देख रहे हो वो जो पहले बल्ब जल रहा था उसका मिट्टी के तेल से जल रहा था अरे वो बल्ब के लिए बस बिजली थी भैया वो भी कट गई सचिव वो जनरेटर मंगाए क्या हाँ ससुर तुम्हारे बाप के पास पैसे रखा हुआ है जनरेटर मंगाएंगे हम अब भैया तुम लोग जनरेटर मंगाओ चाहे मट्टी तेल मंगाओ मुझे कम से कम 100 किलो वाट चाहिए बिजली 100 किलो हम 150 देंगे यार तुम एक काम करो ये सब जरा जाला वाला हटाओ यहाँ बढ़िया चका चक कर दो हम अभी बस 2 मिनट में आते हैं चलो लग जाओ ठीक है उस्ताद जी
चले सर। चल चाल चलना चलते हैं भाई। ये ससुराल यहाँ ताश खेला भैया, जल्दी बता वो कहाँ मिलेगी, जुगाड़ कर जल्दी बता कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। अबे एक घंटा मत लगा, जल्दी बता। अच्छा अच्छा, थरक के मारे पगला गए क्या? अरे फिल्म तुम बना रहे और माल हमसे मांग रहे हो। अबे माल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिजली की बात कर रहा हूँ। बिजली, अरे बिजली चंपा चमेली सब यहीं मिल जाएगी। एक तो रोल दे ना चाचा। अबे भेजा फ्राई मत कर हमरा, हैं? हम वो बिजली की बात कर रहे हैं, झटके वाली, झटके वाली बिजली, झटके वाली, झटके वाली बिजली। आइए दवा जल्दी करते साले, शूटिंग कैसे होगी हमारी, शूटिंग कैसे होगी, रोल मत दिलवाओ। ये प्यास दिल को जलाती है यारों, दिल ना कहीं भी लगे, साकिया खोज लाने को निकला, ले आस के मैं दिए, ले आस के मैं दिए, हर नए रास्ते। टोटल 1292। ए ससुर 208 कहाँ है वो? अरे उस्ताद जी पूरे हजारों का हिसाब मिल गया और 208 रुपए के लिए आप सुबह से काहे टेंशन ले रहे हैं? अरे बात हजार सैकड़ा की नहीं है, बात पैसा पैसा की है। अब निकाल 208 कहाँ है देख। अरे उस्ताद जी आप तो जो है ना आपने ले ली हमारी। अरे लेन देन का बाद में करेंगे, पहले 208 का हिसाब दे हमको ससुरे। अरे देख रहे हैं उस्ताद जी ना। अरे अरे देख रहे हैं ना उस्ताद जी, राइट टांग रही आप खाम खाम। ये देखो 190 रुपए अपने नीचे दबाए बैठे हैं आप। चल अब 18 रुपया और निकाल कहाँ है। अरे वो भी देखते हैं, मिल जाएगा उस्ताद जी अभी मिल जाएगा। ससुरा बीड़ी पी गया रे, निकल। आय हाय केबीसी, क्या बात है, टन टनाटन नोट गिने जा रहे हो हाँ? प्रोड्यूसर बन गए हो तो क्या अपने पुराने यारों को भूल जाओगे हाँ? काला चांद कहाँ से आ गया, बैठ। अरे बैठ तो मैं गई हूँ। इससे मिल, ये है मेरी बेटी तारा। आय हाय क्या नाम रखा है ये तारा, तू चंदा, चंदा। मैं सूरज जी बन गई फैमिली कंप्लीट जी। अरे फैमिली बाद में कंप्लीट करना, पहले जा दो कटिंग फुल चीनी मार के ले क्या। सीधे काम की बात करते हैं, चल कर ले। देखो तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, मेरी जिंदगी तो करीब करीब तुम्हारे सामने गुजरी है ना। ये मेरी बेटी तारा, बस मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है ये, इसे मैं हीरोइन बनाऊंगी, टॉप की हीरोइन, पूरी इंडस्ट्रीज के कदमों पे होगी हाँ। अरे वो सब ठीक है, इस एक्टिंग वैक्टिंग सिखाई है, हैं? देख बात ऐसी है, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अरे क्या कंपटीशन, एक्टिंग की बात करती हो, एक्टिंग देखता कौन है। अरे इंडस्ट्री को जो चाहिए ना वो सब कुछ है इसमें, वो भी भर के। अरे मैं इसे फिल्म इंडस्ट्री का गरम शोला बनाऊंगी, देख लेना ये अपने जलवे से लोगों के कपड़े फाड़ेगी कपड़े। अरे केबी ये है ना मेरी बेटी, ये साड़ी पहन के एकदम थाली लेके घूमने वाली नहीं है हाँ। इसे एक बार हीरोइन तो बना दो फिर देखना, फिर तो मैं भी तुम्हारी और ये भी तुम्हारी। रुक रुक कुछ है इसमें, ठहर रुक दिखा है ये एकदम ठंडी हाँ। देख चंदा बात ऐसी है, तू और तेरी बेटी दोनों बहुत गर्म हैं और तुम्हारे आगे हमारी गरीब चाय एकदम ठंडी, तो ऐसा कर जा दूसरा दरवाजा देख जा। ओए दो कोड़े की कबाड़ी, समझता क्या है अपने आप को, एक फिल्म क्या बना रहा है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा हाँ, मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। अरे जा जा, तू क्या फिल्म बनाएगा देख लेना, एक डब्बे में तेरी फिल्म होगी और दूसरे डब्बे में तू होगा, अरे तेरा बाप भी नहीं बना पाएगा फिल्म, चल तारा। अरे जामावस की रात, पहले अपने बाप को ढूंढ के ला जा, चल ले जा। हाँ हाँ देख लूंगी। उस्ताद जी आप भी खाम खाम पंगा ले लिया आपने, अरे बड़ी गंदी चीज है। देख बेटा हम जहाँ बैठे हैं ये हमारा मंदिर है, अय्यासी का अड्डा नहीं है हाँ।
खून पसीना कमाई से हम फिल्म बना रहे हैं, हराम के पैसा से नहीं। चल वो 18 रुपए का हिसाब दे। अब क्या 18 रुपए के लिए बच्चे की जान लेंगे आप क्या? क्यों है मास्टर जी, यूं बावली पूछा ही डाला क्यों घूमर लग रहे हो? देख मेरा दिमाग मत खराब कर, एक कोने में जाके स्क्रिप्ट पढ़ जा। आशीष, there's a big problem. Malika is not coming for our shoot यार। उसको कोई बड़ी फिल्म मिल गई है और वो US जा रही है। अरे how can she do this यार? Last moment कैसे नहीं आ दिया वो? अरे यार we are in a mess now यार। और तुमने कहा नहीं उससे? अरे of course कहा। नहीं समझ रही है वो, जा रही है। अरे भाई डायरेक्टर साहब क्या प्रॉब्लम, हमको बताइए, हम 2 मिनट में सल्टा देंगे, बताइए। केबीसी भाई हमारी हीरोइन नहीं आ रही है, उसे कोई बड़ी पिक्चर मिल गई है। अरे भाई फोन ऑन करी आ जाएगी, कहीं ट्रैफिक ट्रैफिक में फंस गई होगी। आप समझ नहीं रहे हैं, वो हमारी पिक्चर छोड़कर कोई बड़ी पिक्चर करने जा रही है US। तो इनके मैं फिल्म में रंडवा दिखूंगा? यार तू जाके डायलॉग मारना जा, कहां से आओ इतनी जल्दी अब हीरोइन? अरे भाई फोन कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सड़क से उठा के लाऊं किसी को बना दूं हीरोइन? अरे उस्ताद जी वो चंदा मामा को बुला लाऊं क्या? ससुरे चंदा मामा से तेरे फेरे करवा दूंगा, हैं? जा उधर कोने में बैठ और 18 रुपए का हिसाब ढूंढ, नहीं तो सुधर तेरी तनख्वाह में से काटूंगा मैं। चंदा मामा का नंबर ट्राई करो यार। ईलो छोरा बगल में ढिंडोरा शहर में, अरे इनको बनाइए, ये खूबसूरती किस काम की, इनको हीरोइन बनाइए। मजाक कर रहे हैं केबीसी भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे नहीं नहीं सीरियसली, बट आई मीन यू कैन कंसीडर। व्हाट आर यू सेइंग गाइस? नहीं नहीं एक्टिंग और मैं, अगर 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 अरे 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 तुम ठंडी दिमाग से सोच के देखो, देखो गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, ओके? यार मैं सब कुछ, मैं सारी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, फॉर गॉड्स सेक। अरे सकती हो यार, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। अरे हो सकता है यार, सकता और सकती में हमारा यूनिट पूरा दिन बैठा रह जाएगा। हाँ? जब इस माया नगरी में यह नमूना हीरो बन सकता है तो आप में क्या कमी है? ये कहता हूँ नमूना, तेरे तो हमारे पूरे गांव की इंसल्ट कर दी। अरे थारी इंसल्ट हुई, इनकी इंसल्ट नहीं हुआ। अरे चुप कर। देखिए भाई खामखा के बहुत परेशानी पड़ जाएंगे, इनको फोन करना पड़ेगा, 2-4 हीरोइन आएंगी, उनको फिर बेकार में परेशानी हो जाएगी, बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा हमारा। तो ये सब पैसे बचाने के लिए? अरे अरे क्या सर पैसे? अरे सुन उसका डिपार्टमेंट है वो पटाएगा। ताऊ देखा जाए तो वैसे छोरी सुथरी है, काम चल जाएगा हमारा। है ससुरे दूसरे का हुक्का ना गुड़गुड़ा, चल। अमन कम ऑन, अमन प्लीज यार, अमन अमन देखा, दो सेकंड मेरी बात सुनो। वो सारी चीजें जो फिल्मों में नहीं होती है, जिस तरह से फिल्म नहीं बनती हम बना रहे हैं यार। अमन 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 प्लीज थोड़ा सा सोचो ना तुम। देखो मैं कब से कितने लोगों से मेहनतें कर रहा हूँ, तब जाके मुझे एक फिल्म मिली है। एक बार हमारी इंडस्ट्री में फिल्म रुक गई ना तो फिर कभी शुरू नहीं होती, तुम जानती हो ना। और वैसे भी हमारी फिल्मों में वो सारी चीजें हो रही हैं जो किसी और फिल्म में नहीं होती, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? Just think about it. आशीष, I am understanding. मैं सब कुछ समझ रही हूँ. And I'm giving my 100%. जितना cooperate मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ. लेकिन अब मुझसे acting करने के लिए मत बोलो यार. तुम अपनी फिल्म की band बजा दोगे. अवंतिका एक बार you trust me, तुम मुझे trust करती हो? देखो यार director मैं हूँ, मैं तुमसे acting करवा लूँगा, तुम्हें सिर्फ लाइनें बोलनी है। अच्छी तो तुम लगती हो ना अवंतिका, come on यार, एक बार ट्राई करके देख लो ना प्लीज, मेरे लिए, मेरे करियर का सवाल है। Yes. Yes. Okay. Yes. अभी चले आ रहे हैं यहाँ। अरे सर जी कहाँ रह गए थे आप? हम घंटा भर से वहाँ लैब के सामने खड़े हुए हैं। अरे वो कह रहा है कि बातें सब लैब में नहीं होंगी, वो आ रहा है कैंटीन में। वो कहाँ कैंटीन में आ रहा है? वो अरे यही आ रहा है कैंटीन में। चल ढूंढ के ला जल्दी से जा। अरे जल्दी जाना यार तू भी। आ जाओ हम बैठते हैं। चलिए आ जा आ जा। क्या लगता है सर मान जाएगा? अरे अब देखते हैं, नहीं मानेगा तो फिर कुछ दूसरा कोशिश करेंगे और क्या। हाँ भाई। अरे भाई मरवाओगे क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? है सर हम नहीं जानते ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन हमें करना है। नहीं भाई नहीं, किसी को पता चल गया तो मर जाएंगे यार। अरे मरोगे नहीं यार, सुनो तुम ऐसा कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं उसे, एक्सपोज्ड कैंस, वो जो एक्सपोज जो है ना, उसको हम एक पेंट शर्ट में अच्छे से बढ़िया से लपेट के चुपचाप से भेज देंगे, तुम्हें से धोना है, सुखाना और वापस भिजवा देना है बस। ए भाई ए, ये धोबी घाट है क्या कि इधर से कपड़ा लाया धोया और सुखाया? अरे भाई ये फिल्म लैब है, फिल्म लैब। ए भाई तू फिल्म का स्टूडेंट है ना, तो समझाना इस कबाड़ी को। हट ससुर, कबाड़ी नहीं प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर। तुझको वो तेरा मकान मालिक घर से बाहर निकाल रहा है ना? हाँ। तो
तो मकान चाहिए ना? हाँ हम तुमको बढ़िया सब खोली दिलवा देंगे, तुम्हारा खुद का खोली। लेकिन ये सब होगा कैसे? है ससुर, अब पूरा गठरी बीच सड़क पे खोल के रख दे का? अरे तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन रोज के कितने डब्बे होंगे? वो 20 डब्बे। माँ की आंख, रोज का 20 डब्बे एक्सपोज करेगा और कहता है कि फिल्म का बजट कम है। सर आप समझ नहीं रहे, सब मिला के 1000 से 1200 फीट ही है, लेकिन क्या है कि सब कट पीस में है ना, इसीलिए डब्बे ज्यादा है। देखो भाई, ये बड़ा ही रिस्की काम लगता है और हम जिंदगी में ऐसा रिस्की काम किए नहीं है, पहली बार कर रहे हैं। अरे हम भी पहली बार फिल्म बना रहे हैं यार, हमको तो कोई रिस्क लगता नहीं, तुमको काहे का रिस्क लग गया? क्या सर अभी ना, मैं समझाता हूँ ना। देखिए सर, क्या है कि आपके यहाँ तो बड़ी बड़ी फिल्में धुलती हैं, तो उसमें हमारे भी कट पीस डाल के प्रोसेस कर लीजिए, बस सिंपल। ठीक है भाई, समझ गया, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, क्वालिटी को लेकर कोई भी खिटपिट मत करना। अगर कुछ 19-20 रह भी गया ना, तो हम बाहर से करवा देंगे और उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ससुर तुम भी अच्छे खासे काम में पूछ लगा ही दोगे, देंगे पैसा और का। अब वो डब्बा भिजवा देंगे, तुम अच्छे से धुलवा देना उसको, समझे? ठीक है ठीक है। चाय वाय पियोगे? नहीं नहीं, चाय वाय नहीं, बहुत काम है। हाँ तो ठीक है, डिब्बा भिजवा देना। हाँ हाँ भिजवा देंगे। अरे तो चाय भेजना भाई। क्या सर आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, अब इसका घर खरीदने के लिए बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे भाई वो अपना श्याम राव बैंक है ना, उसमें हमारा दोस्ती है, दिलवा देंगे लोन। हाँ 15 साल तक ससुर चुकाता रहेगा और अपना डब्बा धोता रहेगा। और क्या? नहीं, फर्स्ट शॉट कैमरा इज माउंटेड ऑन, हाँ ऑन द क्रेन। का है भाई डायरेक्टर साहब, शूटिंग नहीं करना का? आपको भी पेमेंट का जरूरत पड़ गया का? देखिए शूटिंग कम्प्लीट करिए, फिल्म कम्प्लीट करिए, उसके बाद डबल पेमेंट लीजिए और जाइए। सर शूटिंग तब कंप्लीट होगी जब होगी ना। का मतलब का है तुम्हारा? गौर से देखिए, कैमरा नहीं आया अभी तक। का रे कैमरा काहे नहीं आया? अरे उस्ताद जी सब जगह फोन किया, सब बोलते हैं पहले के पैसे भिजवाओ तब कैमरा भेजेंगे। और रुखसार भाई को फोन किया? हाँ किया, उनका कैमरा बाहर गया आउटडोर के लिए। अरे तो ससुर वो नया कंपनी का है, उसको फोन करना रहा ना, वो का नाम है उसका कंपनी का? अब वो नाम मुझे मालूम नहीं सर। तो तुमको का मालूम है? एक तो कैमरे का इंतजाम नहीं कर सकता ना तू। ससुरा फेंक इसको उठा के फेंक, दिन भर घसर घसर हिसाब लिखता फिरेगा। आपको क्या लगता है एक कैमरे का इंतजाम नहीं कर सकते तू? अरे आपको क्या लगता है कि मैं किसी को बोला नहीं क्या? अरे 50 जगह से रोज अलग अलग कैमरा आता है, आपको एक कैमरा भेजेगा नहीं बिना पैसे के? आपको लगता है हम यातीचू हैं क्या? तुम नहीं हो यातीचू, यातीचू हमें बेटा जो हमने तुमको भर्ती कर लिया है, हैं? ससुरा एक कैमरे का इंतजाम नहीं कर सकता है, दिन भर यहाँ वहाँ फटाते फिरेंगे, एक कैमरा नहीं ला सकते? ओ ताऊ एक बात बता, ये शूटिंग पे लोग बावड़ों की तरह घूमते रहे, कुछ काम धाम भी करें। देख ए भाई तू हमारा खोपड़ा खराब मत कर, चल बाजू हो जा, जाके वहाँ शीशे में अपना मुँह देख जा तो। वाह ताऊ खाने बावड़ी गांड सा वड़ा पाव सा दे और बात बड़ी बड़ी, देखो ससुरी ताई पेट में पूजा सी होने लग रही है। बेटा वो तेरा पैसा का हुआ जो तेरा बाप भेजने वाला रहा उसका का हुआ बोल? देखिया हो गया ना पेट में दर्द, 2 लाख रुपया था बेटा, कहाँ निकाल? कहानी कहीं की कहीं घुमा दी। देखो मुझे बहुत जोर की लग रही है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे 2 मिनट में नहीं, पहले अपने बाप को फोन कर ससुर। अरे जाने दो उस्ताद जी बच्चा है। अरे जाने दो बच्चा, ससुर तू तो एल्बर्ट को फोन कर। अरे मैंने कहा था, फोन कर जल्दी। अरे लगा रहे हैं उस्ताद जी। हाँ लगा लगा, ला बाकी हम देख लेंगे। लगा दिया नंबर? जी। हेलो कौन बोलता है? अरे बोलेंगे बाद में, पहले ये बता कि वो खालिद की बिटिया से तुमको शादी करना है कि नहीं करना है? अरे केबीसी भाई, हाँ बोलेगा, क्या बात है? अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे भाई, हाँ क्या नहीं। अरे बहुत मुश्किल है, मालूम है उसके डैडी अपन के पीछे कितना जाड़ा जाड़ा आदमियों को भेजा है। अरे बेटा आसान और मुश्किल जनखों के पास होता है, केबीसी के पास हाँ और नहीं बस। अरे पन हाँ हाँ मेरे बाप जो बोलेंगे वो करेंगे ना। अच्छा तो कम कर, जल्दी से 20 मिनट में हमारी शूटिंग में कैमरा लेके पहुंच जा। अरे यार तुम खिसक गया है क्या? वो मेरे बॉस ने बोला कि अगर कैमरा तुम्हारे पास भेजे तो मेरा भेजा उड़ा देगा। अरे देख बेटा मेरे लाल, हमारे पास टाइम नहीं है, तेरे ससुर खालिद को हम हैंडल कर लेंगे, समझे ना? तू जल्दी से जा, जल्दी लेके आ। अरे पर होएंगे कैसे, शूटिंग है ना बाबा। अरे शूटिंग का क्या यार, तू समझता नहीं, तेरे बाप के पास साला 500 कैमरा है, एक कैमरा उठा, एक घंटा पहले वहाँ से निकल, शॉर्टकट में हमारी शूटिंग में यहाँ पहुँच जा, दिन भर शूटिंग कर और ले जाके कैमरा वापस कर दे। क्या पता लगे तेरे बाप को कि कैमरा घर से गया था कि नहीं गया था? बात समझ में आई कि नहीं? नहीं साले किलो भर मिठाई हम खालिद के यहाँ भेजे फिर? कुछ नहीं समझा, पन कैमरा तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, पन तुम खालिद को मिठाई मत भेजना है। पहुँच जाएगा ना,
तो पहुंच जाएगा तो ठीक है, चलो भाई करो शूटिंग चालू करो। कैसा आदमी है, भूत है साला। Come on, bring it. Come on, bring it. Roll sound. Rolling. जाना पड़ेगा। कैमरा रोलिंग। एक्शन। तुम नहीं जा सकते ऐसे छोड़ के। जाना पड़ेगा। नहीं जा सकते बस। क्यों? क्यों? क्यों क्या क्या मतलब है? नहीं जा सकते तुम? अरे तुमने लाइन गलत बोली। मैंने लाइन गलत बोली है? हाँ। तुम्हें अपने लाइनें याद नहीं रहती। मैं क्या कह रहा हूँ? Okay, we'll take it again. अरे क्या कर रहे हो यार? आशीष, we'll take it again. Correct! सुन ले ना। अरे सुना, जल्दी सुना यार। हाँ, हाँ। अरे हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। अरे देख देख ओ बाबू। अरे यार ये फिल्मी गाना में छाती ना पीट हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ कोई दूसरा सुना, गाँव का। अच्छा दूसरा सुना है? हाँ जल्दी। नहीं एक मुंबईया पे सुना देते। हाँ सुना। हाँ अरे ई है, हाँ ई है, ई है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ। अरे यार ई है, हाँ ई है मुं। अरे इधर बैठ ससुरा। सुना नहीं दे तो बीच में कर दे। डांस कर या गाना गा ससुरा, तुम दो दो काम एक साथ मत करो। अब इतना गांव का बोले ये बम्बई अम्बई नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमको फड़कता हुआ गांव का सुना कोई। गांव का सुन ले, उमा का है, सब आता है हमको। हाँ आता है तो सुना। बेड़निया का सुना है? हाँ हाँ कोई भी। दुल्हनिया का सुना, बेड़निया का सुना, कोई भी सुना सुना। अरे फंस गई बेड़निया माया में, बामन को जनेऊ फिसारेगा। अब ले ससुर का म्यूजिक भी तू ही दे देगा तो म्यूजिक डायरेक्टर क्या करेगा? अरे हमको सब आता है, म्यूजिक दे लें, गा लें, एक्टिंग कर लें, क्या समझते हो? अरे तो फिर हाँ ला भाई देख। अरे कहाँ मर गए रही यार, तो हम साले पूरा बम्बई तुमको छान मारे। अरे जा देख या। ए, सुन सुन वो अब हिसाब लिख लेना इसका। जा हाँ जा कैमरामैन को दे आ जाके। केबी से भाई टुकड़ा टुकड़ा जोड़ने में अपन को टाइम लगता है, पूरा मुंबई छाना तब जाके 1760 फीट लेके आया मैं। अच्छा तो ऐसा है, 1760 फीट है? हाँ। हाँ, तो भाई वो बाकी का क्या करना है? अब बाकी का क्या करने का, अब आप देखो क्या है। देखो हमारा फिल्म नहीं रुकना चाहिए यार, बाकी का और माल चाहिए ना, ये तो साला 6 दिन में 7 दिन में खत्म हो जाएगा। अरे केबी से भाई अपन क्या पहली बार अमेरिका जा रहा है ना 30 दिन के लिए। हाँ। थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, थोड़ा सा कहीं झोलझाल कर लो आप। यार तू अभी अमेरिका क्यों जा रहा, बाद में जाना यार। अरे तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ? अब एक काम करते हैं अपन। हाँ। मेरा 4-5 दोस्त है। हाँ। कैमरामैन असिस्टेंट है। हाँ, हाँ। वो क्या काट काट के जो बड़ा लोग छोड़ देता है ना। हाँ। उसको जोड़ के एक्सपेरिमेंट करता है, जो 80-40 फीट पर उसे जोड़ इकट्ठा। हाँ, करता है वो जोड़ के इकट्ठा करके एक्सपेरिमेंट करके वो एक डब्बा बना देता है पूरा स्ट्रॉन्ग। अपन उसको फोन कर देगा। हाँ, हाँ। वो आपके पास पहुँचा देगा। अच्छा ठीक है, ये काम करना, लेकिन साला पहुँचाना चाहिए। अरे अब मैं हमारा फिल्म नहीं रुकना चाहिए। फोन में आपके पास आएंगे, आप चिंता नहीं करने का। फिल्म नहीं रुकना चाहिए हमारा यार। अच्छा भाई वो जब फिल्म रिलीज होगी ना तो खालिद की बेटी को बुलाना ना उस दिन। खालिद की? अरे खालिद की बेटी क्या, खालिद को भी बुलाऊंगा और खालिद की बीवी को भी बुला लूंगा, तेरी को भी बुला लूंगा। तू क्यों पैर दबा रहा है? तू जा गेट पे चला जा, डांस कर वहाँ, 500 लोग इकट्ठे हो जाए तो बुला लेना हमको। साला कह रहे थे कि फिल्म में हम आऊँ का चांस दे देते तो। तू साला ठीक से गाना तो सुनाएगा नहीं, चांस क्या दूं? पहले हम कह रहे तू चला जा, चल। जिया में आग लगाती है। ये सब कह रहा है? वहाँ पूरा यूनिट 4 घंटे से धूप में पड़ा पड़ा चरमरा रहा है और तुम लोग यहाँ मस्ती सूझ रहे हैं तुम लोगों को। केबीसी भाई आज शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं होगी। काहे नहीं होगी शूटिंग? क्योंकि आज पार्टी होगी। हमरी बकरिया ने बच्चा दिया जो पार्टी होगी। अरे नहीं यार पूरे 50 साल के हो गए इसीलिए पार्टी होगी। 50 मार दी फटाफट बताओ। क्या बात है? अरे हमरे मरे हुए बाप को नहीं मालूम कि हम 50 साल के हो गए, तुमको कैसे मालूम हो गया रे? अरे तो बैंक डॉक्यूमेंट में नाम के बगल में डेट ऑफ बर्थ ही लिखा था ना आपने। और क्या? अरे ससुर तू बहुत ताक झांक करने लगे रे, छोड़ेंगे। ए ससुर किस बात है कि अपने रिंग टोन पर? नहीं नहीं पार्टी 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 बंदी। चलो पार्टी करें। आप लोग चलो पार्टी, चलो पार्टी, पार्टी दाओ पार्टी। आज तो पार्टी बनती है तो सिर्फ 2 मिनट का पार्टी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं 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 कुछ नहीं, प्रॉपर मीन पार्टी पार्टी। ऐसा करो 4 मिनट का करो, देता हूं। चलो पार्टी करेंगे। ठीक है भाई ठीक है। अच्छा अरे मंगाओ ना खाने पीने के लिए। We'll be right back.
दुनिया ला तोड़ता रे यार मेरे आरे आरे मरहबाओं से हुबारे यार मेरे आरे आरे बुलबुलों में दिल से फूंक मार बोतलों में सपने बेशुमार बुलबुलों में दिल से फूंक मार बोतलों में सपने बेशुमार कलंदर भर के खुशियां ला कलंदर मस्त तू बनके जी लेना फिक्र को चूल्हे में आज जला के कल के ख्वाब पका बटुए से तू गिन गिन के गम निकाल दे खुशियों की तू रेजगारियां उछाल दे बटुए से तू गिन गिन के गम निकाल दे खुशियों की तू रेजगारियां उछाल दे दुनिया का देख तमाशा यारा वे आजा आजा गम तो गूंगे बहरे हैं घर के बाहर ठहरे हैं अंदर है मेला लगा कृष्ण बिहारी चौबे तुम हो सही है चलो थाने चलना पड़ेगा तुमको अरे तो चलो हमने कोई चोरी की का चलो अबे चल अंदर बैठ गाड़ी में चल चलो जल्दी जल्दी बैठो गाड़ी में चलो क्यों केबीसी देखिए मेरी गर्मी चल गए ना जलते तो कागज के टुकड़े हैं चांदवानो लोखंड को गलाने के लिए तेरे जैसे 3660 चिंगारियां आ जाए ना तो केबीसी का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकती फिल्म बनाने से तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता अगर तुझे पता है कि कौन है वो तो अरे चाचा भाई चलो भाई चलो तुम्हारी जमानत हो गई ये तो आप मिल गए तो काम हो गया वरना बहुत देर हो जाती हाँ भाई क्या भाई क्या हो गया? बिना पैसे के ही फिल्म बना रहे थे हैं फ्री का चंदन वैसे बात है तेरे में मतलब तुम्हारी में क्या सक्सेना साहब आप भी जल्दी से बिल करा दी अरे रखते ना दो तीन दिन रिमांड पर क्या सर
जाने दो ना सर, क्यों ले रहे हो इनकी हा? बच्चे हैं छोटे छोटे, देख रहे हो आप। लेकिन सक्सेना साहब, हम तो बच्चे नहीं है ना, हैं? बच्चे तो हमारे हैं और वो भी दो दो। अब उनको तो कुछ मिला ही नहीं ना। मिल जाएगा सर, जरूर मिलेगा, अपने केबीसी का दिल बहुत बड़ा है सर। अच्छा हाँ, तो ठीक है, देखते हैं, निकलो। अच्छा सर, प्रणाम, मैं मिलता हूँ आपसे सर। चल 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 चल। साले कितनी बार समझाया, हर चीज झोलझाल से नहीं होती, फिल्म बनाना मजाक है कोई। सक्सेना जी, लेकिन आपने हम सब के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं। रहने दे, मैं समझ गया। उस्ताजी, काहे चले आ रहे सब? चला ताऊ, ये इमोशनल ड्रामा देख के क्या करोगे? चल रहे, आ जा। कम ऑन अवान, तुम रो रही हो पगली? मैं आ गया हूँ ना, स्टॉप क्राइंग ना। लुक आशीष, बहुत हो गया ये सब। हमारे सपने नहीं पूरे हो पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन हम इस तरह उनकी धज्जियां उड़ते हुए नहीं देख सकते। And I can't see you going through all this, damn it. I can't believe it. ये सब तुम कह रही हो अवान? तुम? हाँ मैं कह रही हूँ और सही कह रही हूँ। हम लोग कहाँ से आए थे और कहाँ पहुँचे? दिल्ली डिफेंस कॉलोनी से यहाँ पुलिस स्टेशन पर। Enough. I can't see all this now. ये ना, सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इस प्रॉब्लम से मैं टूटा नहीं हूँ और मजबूत हूँ। तुम देख लेना, ये फिल्म मैं बना के रहूंगा चाहे जो हो जाए। इट्स अ चैलेंज फॉर मी। लेकिन मैडम, ये चैलेंज पूरा करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आप क्या करें? अरे वो लोग अगर अपन को कैमरा जल्दी नहीं देता तो मेरा बॉस मुझे उल्टा लटका देता। फिर खालिद की बेटी से शादी कौन मनाता है? शिट, अगर ये जगह नहीं मिली ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सेट कंटिन्यूटी। पहले मैं समझता था कि ये सब एक टाइम पास हो रहा है, और मैं सोचता था कि ये टाइम पास करते करते किसी तरह मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं कितना अच्छा डायरेक्टर। मगर केबीसी सर, आपसे काम करने के बाद, आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कसम से कि आप में भी वही जज्बा है जो मुझ में एक फिल्म बनाने का। अब आप रुकिएगा मत, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं। अरे भैया, ये मिरेकल सिरकल हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि फिल्म बनेगी और जरूर बनेगी। साला 5 साल के थे तब से इंडस्ट्री के हम खाक छान रहे हैं, और बाकी की सारी जिंदगी खाक ही छानता रहेगा। तो खाक में मिलने से पहले हम फिल्म बना ही लेंगे। सुन ले डायरेक्टर साहब। अरे पर बनाएगा कैसे, मजाक है कोई? अरे कहा है, तुम बनवाओगे? मैं मैं कैसे बनाऊंगा भाई? अरे मैं फिल्म बनाने लायक होता तो 20 साल हो गए मुझे, कब की बना ली होती। अरे चाचा, इतने लाचार तो हमारे गांव में बैल भी नहीं होते, चाहे उन पर जितना जी चाहे बोझा लाद लो। तू तो इंसान है, अपनी ताकत पहचान और बन जा हम सबके हनुमान जी। अरे इस इंडस्ट्री के हर भड़ुए की जन्म कुंडली हमको अच्छी तरीके से याद है। जब पैसे नहीं थे तो डॉक्टर ने कहा था फिल्म बनाने को। अरे पैसा उड़ा के तो हर याती चू फिल्म बना लेगा, बिना पैसा के एक ही आदमी फिल्म बना सकता है, केबीसी कृष्ण बिहारी चौबे। हाँ, जब गांव से हीरो बनने के लिए आए थे तो क्या था तुम्हारे पास? न पेट में रोटी न तन पे लंगोटी। हमारे बाप ने तुम्हें अपने पास रखा और तुम्हें काम भी दिलवाया, तब कहीं जाके तुम झोलर प्रोडक्शन वाले बने हो। मेरी बात सुन, मैं फिर कहता हूं, इन बच्चों की जिंदगी से मत खेल। इन्हें सपने दिखा के तूने प्लेन में तो बिठा दिया, प्लेन चलने भी लग गया, लेकिन अभी से उड़ाएगा कैसे? माँ कसम, इन सब की आंखों में आंखें डालकर देखो, अगर कोई ये कह दे कि ये फिल्म हम अपने लिए बना रहे हैं, इसमें इनका कुछ नहीं है, तो कसम से 100 जूते मारो, एक भी मत कम करना। क्या सोच रहे हैं सक्सेना जी? अब तो तीर कमान से निकल ही चुका है, और अगर पीछे हटना उतना ही मुश्किल है जितना आगे बढ़ना, तो अब तो हम आगे ही बढ़ेंगे, अब हम नहीं रुकेंगे।
सक्सेना भाई, अब ये फिल्म हम सबकी है, हम सब कुछ करना चाहते हैं। केबीसी भाई तो सिर्फ एक जरिया है, हम सबकी आत्माएं जुड़ी हुई हैं इस फिल्म से। ये हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है, और कई फिल्म मेकर्स की तरह ये किसी अय्याशी का जरिया भी नहीं है। इस फिल्म से हम सब कुछ कहना चाहते हैं। ये ट्रैक तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती होता जा रहा है। सुन भाई केबीसी, यहां ऐसा है, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूं। मेरा आखिरी जुगाड़ है वो, और मैं ये भी जानता हूं कि इसके अलावा इस शहर में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन वहां ले जाके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारा काम होगा या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं खिसक लूंगा वहां से, तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। ठीक है। क्या है बे, स्माइल काबू कर रहा है? गुड़ है क्या? शमशान में अपने नाम का बेंच लगवाना है क्या? अरे नहीं जी। तो फिर ये स्माइल काय का है? जग्गी भाई से मिलना है, वो फोन पे बात हुई थी। सक्सेना? हाँ। हे हाफ टिकट, स्माइल नहीं करने का है? ठीक है, थैंक्स बोलने का। चल हाँ भाई चेक कर। अरे कुछ नहीं है भाई। अरे चलो सिलाई मशीन है। इधर को मैं कितना पैसा दिया अभी तक? तेरे को कितना पैसा दिया अभी तक? 9 लाख है? तेरे को मैंने पैसा दिया 9 लाख अभी तक, और तू अभी तक एक केस नहीं निपटाया साला। इस साला तू वकील है कि जोकर? इस साला तू मेरी बीवी का भाई नहीं होता तो मैं तेरे को अब तक निपटा के मैं तेरा भी केस किसी को दे चुका होता साला कुतिया। तेरी तो मैं तेरी, अरे ये बाजा बंद करो बे। अबे ये कौन है इसको? कहां से पकड़ के लाए थे इसको? भाई कंप्यूटर लिया था इससे। हाँ तो क्या भाई, कंप्यूटर इसका खराब भाई, हर गेम हार रहा हूँ भाई मैं। मैंने इसका गेम बजा दिया और ऊपर से भाई फोन नहीं उठा रहा था। तू उड़ाएगा इसको, तू उड़ाएगा इसको। अरे कोई समझाओ इसको, अरे इस कुतियों को बतलाओ कि मुझे टिकट लेने का है, मुझे इलेक्शन लड़ने का है, और सारा तू यहाँ गेम खेल रहा है और गेम वाले का गेम बजा रहा है। भाई ये अंग्रेजी, हाँ भाई अंग्रेजी थी भाई, हल्के से दवाई चल गई, प्रैक्टिस नहीं है ना भाई। प्रैक्टिस नहीं है तो डालना, वरना कट्टा रखा कर, तेरी औकात भाई है साले, कट्टा रखा कर, कट्टा रखा कर। मैं बताऊं तुझे, अरे कुत्ता, अरे तुम लोग क्या कर रहे थे सालो? अरे उठाओ इसको, साफ करो यहाँ से। साला फंस गया मैं साला। Oh.
जग्गी भाई, वो आपसे बात की थी ना मैंने? क्या? वो फिल्म बनाने के वो आए हैं, भेज दो आपके पास। जाओ, मेरी बात हो गई है, अब तुम जानो तुम्हारा काम, जिंदा रहे तो बाद में मिलते हैं। बंद करो बे बाजा। यार साली दिमाग की मां हो गई भैंस चोर। हाँ, प्रोड्यूसर कौन है बे? हम ही का समझ लीजिए। अच्छा, और तू? तू कौन है बे? जी डायरेक्टर। तो क्या फिल्म बना रहे तुम लोग, बी ग्रेड की या सी ग्रेड की? ए ग्रेड की। ए ग्रेड की? बे पैसे नहीं है तो क्यों डगा मराने के लिए दिखाते फिर रहे बे? फिल्म बनाने के लिए दम चाहिए, इधर भी और पीछे भी। अभी क्या आ सकते ना मेरा भाई है तो करना तो पड़ेगा मेरे को, पर पैसा तो मेरा, सक्सेना के बाप का तो नहीं। लेकिन भाई जी आप ही हमारे माई बाप हैं। अच्छा, अभी क्या है कि तू मेरे राइट हैंड साइड में बैठा है तो आप मेरे को हर चीज राइट होने को मांगता, लेफ्ट नहीं। देंगा तेरे को कैश देंगा और चेक लेंगा, मंजूर? चलिए कुछ नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा और डबल डबल दी अमाउंट, जितनी रकम देंगा उससे दुगनी रकम वसूल करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। मेरे टेंशन नहीं, टेंशन मेरे को जाए कोई बात नहीं, इसको नहीं होने का। इसको ना साले को आदत नहीं है, इसको साले को कोई भी गेम को हारने को अच्छा नहीं लगता। क्या रे क्या, मस्त कपड़ा है रे, ये कहाँ से लिया? जी दिल्ली से। दिल्ली से? ये बाल भी एकदम मस्त कटाया है, ये कहाँ से कटाया? जी अंधेरी से। अंधेरी से? और ये सेंट, ये सेंट? जी मैं आपको लाके दूंगा ना। जी बात बात में जी, ए, अच्छे घर के लगता है रे। जी ए, क्या करता रे तेरा बाप बोल? जी मेरे पिताजी पहले आर्मी में थे, अब रिटायर हो गए। तभी ना देख कितना फिट है, कितना फिट है। ये तू मेरे को लाके देगा ये सब? मेरे को बनाएगा मतलब अपने जैसा दिखने में एकदम मतलब? जी क्यों नहीं। बनाना बनाना, लेकिन डबल। हाँ कैश नहीं, चेक, चेक डबल। जी हाँ डबल। ठीक है डबल। रेडी? क्या एक्शन? मैं आज तक सब कुछ बर्दाश्त करता आया। गुड, सुन सुन सुन, बर्दाश्त बर्दाश्त बोलो एक बार, बोलो बर्दाश्त ना मास्टर जी। अरे वही तो बोला मैंने, श के बाद ना त साइलेंट है, बर्दाश्त। बर्दाश्त ठीक है, उसकी बात भेजिए। चलो जी एक सेकंड, सोमवीर जी आप बर्दाश्त की जगह सहन सहन बोल सकते हैं? लो जी कर लो बात, स्टार हूँ मैं फिल्म का, बोल तो मैं बर्दाश्त भी लूंगा, मगर आप इतने प्यार से सहन बोलने को कह रही है तो सहन ही सही, मारे बाबा की जाता है क्यों मास्टर जी? चलो क्यों है मास्टर जी, यूं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? फाड़ फाड़ के नहीं देख रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ, सहन। जस्ट रिलैक्स, चलो काम करें। हाँ। सहन। हाँ रेडी एक्शन। मैं आज तक बर्दाश्त कट सहन करता आया हूँ, कट मास्टर जी, स्टार हूँ मैं फिल्म का, यो बार बार कट 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 बोलकर ना आपने स्पीड की माँ क्या माँ कसम दही कर दी। काहे का स्टार, एक लाइन, एक लाइन तो तुम ठीक से बोल नहीं सकते हो, जब देखो स्पीड की गोड़ी पे चढ़े हुए रहते हो। स्टार हूँ मैं
मास्टर जी आपने बात बोल के ना हमारा मूड ही खराब कर दिया। हा? अब तो मैंने ब्रेक चाहिए, ब्रेक अब नहीं होगा मेरे से। काय का ब्रेक? सोमी रुको। हेलो ए, मैं तुमको बोला ना मेरे को लाके देने का ऐसा एक सीन कशिशी। क्या हुआ? अरे कैसा चल रहा है तेरा ये शूटिंग वूटिंग? क्या बताएं चक्की भाई, शूटिंग बंद है, स्टार के ऑटोग्राफ शुरू है। ऑटोग्राफ से फुर्सत मिले तब कुछ काम करें ना। चल अब तेरा शूटिंग भी शुरू होएगा, उसके बाद ये स्टार भी लाइन पे आएगा और तू ये खा, मैं तेरे लिए लाया खास करके। अरे 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 नमस्ते। बस जी बस, बाकी का लाना जी। थैंक यू, बहुत भीड़ हो गया। गार्ड हटाओ भाई इनको यहाँ से, हटाओ। नमस्ते बोलाना जी, कल आना, बहुत भीड़ हो गई है, कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करना है जी। स्टार हूँ मैं फिल्म का, मजाक कर रहा हूँ। थप्पड़ मार दिया, ओ मारी इंसल्ट कर दी। अरे छोड़, मारी ऑडियंस के सामने मारी इंसल्ट कर देता हूँ। अरे चल छोड़ता हूँ, छोड़, जानता नहीं कौन है ये। कौन है यो? प्रधानमंत्री है के? ना प्रधानमंत्री हो रहा, तू फिर वीडियो गेम खेल रहा। बुड़बक, हरियाणा के भाई साहब नहीं है, मुंबई के भाई हैं। फिल्म के फाइनेंसर हमरे भी बाप भेजे में बात गई कि नहीं ससुर? अभी क्या है ना कि अभी 6 इंच छोड़ कर ठोकाई करिए तेरी, है ना? अगली बार से 6 इंच उड़ा दूंगा, समझ गया? अब जा, जाके अच्छी वाली एक्टिंग करियो अभी। चल निकल ले, जा निकल जल्दी जा। ठंडा बंडा मंगवाए भाई कुछ? हाँ ठंडे की जरूरत पड़ेगी, साले ने गर्म कर दिया। अरे बात सुन, ये शूटिंग ऐसे होता है। अरे डायरेक्टर ये क्या है? जी जगी भाई ये क्रेन, क्रेन है। क्रेन तो पत्थर उठाने के काम में आता है ना, इधर क्या करे लाइए? शूटिंग ऐसे होता है जी। क्या कि मैंने कभी देखा नहीं ना शूटिंग, है ना, टाइम नहीं मिला ना कभी। हाँ फाइनेंस खूब किया, फाइनेंस खूब किया, लेकिन आज मैं खाली तेरे लिए आया। अरे तेरा शूट है यार, डायरेक्टर लगता है, डायरेक्टर लगता है लौंडा। आ जाके काम कर अपना, जाके काम जी, करा। जी, जी। काम कर। ये शॉट ब्रेक डाउन है। तू कैमरामैन है जी? ये कैमरा है जी। हाँ बढ़ लेना, इसमें से नजर क्यों नहीं आता कुछ जी? ये लेंस है। हाँ तो देखने के लिए इधर से। हाँ उधर से, अच्छा देखने के लिए उधर से। कौन दिख रहा है इधर? ये क्या पिकनिक मनाने के लिए आया इधर? क्या क्या चौकीदार की मैं खड़ा हुआ, सीधा खड़ा। अरे ये साला हीरो है कि टॉमी? जी जगी भाई, आप जगी भाई आप 2 मिनट जरा बैठ जाएंगे, वो एक सीन जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, नहीं तो वो प्रॉब्लम है। प्लीज आराम से बैठिए। तो रघु तुमने अपने मम्मी डैडी से आज फोन पे बात की? की उस बारे में बात की? किस बारे में? अपनी हमारी शादी के बारे में रघु। सिमरन मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मेरे कुछ सपने हैं, लाइफ है, उसके बारे में कुछ सोचना है। तो उसके लिए तुम हमारे सपनों को चूर चूर कर दोगे? मैं कोई सपने चूर चूर नहीं कर रहा हूँ। अरे कुछ सोचो, फोकस करो उस पे यार। अभी तक ना हमारे पास घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना ही कुछ हुआ है। मैं घर बार छोड़ कर आया हूँ। क्यों, पहले सब मिलने दो, एस्टेब्लिश होने दो, उसके बाद शादी करेंगे। तो ये सब तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया है? तुम्हें सिर्फ यही सब दिख रहा है अभी? बी प्रैक्टिकल, ओके? कट इट, परफेक्ट, थैंक्स। भाई अरे यार, अरे काई को आई तू यहाँ? कौन बोला तेरे को आने को? मेरे को प्रोडक्शन वाला बोला गोडाउन के पीछे मिलने का। ए, अभी भाई का गाड़ी पिछाड़ी का सारा काम बंद, अभी हर काम पिछाड़ी से नहीं होगा, अगाड़ी से होगा, 70 mm पे। देख मेरी बात सुन, 6 साल से नाच नाच कर मेरे पैर में छाली पड़ गई। हाँ, हाँ, मैं तो मेरे को बोलता है हीरोइन बनाएगा। हाँ, मैं फिल्म दिलाएगा, प्रोड्यूसर से मिलवाएगा, फिल्म दिलाऊंगा एक दिन। फिल्म दिलाना तो दूर, आज तक एक फिल्म तक नहीं दिखाई। अरे मेरी जान, तू जाके देख ना फिल्म। कौन बात घुमा मत, तू ये फिल्म बना रहे ना, मुझे इस मूवी में काम चाहिए बस। कौन सा काम चाहिए? हीरोइन का?
हाँ। अरे वो नहीं बना सकता तेरे को। मुझे नहीं पता, मुझे काम चाहिए, मतलब चाहिए। अरे यार उसको, अरे तू वीडियो गेम खेलता रही हो यार, उसी में थे यार। चला आप देखते हैं, चल अंदर चल। चलो चलो रे। अरे तुम लोग यहीं रुकने का दर है, करता है तो लाइनें तुझे याद नहीं रहती। अरे मैं सही बता रहा हूँ, तेरा मोनो। हाँ भाई, याद होगी मास्टर जी। अरे डायरेक्टर इधर आना। क्या है ना, ये मेरी फ्रेंड है। हेलो। है ना, तो इसका नाम, ये नाम क्या है तेरा? अब तो फिर से मेरा नाम भूल गया। अरे यार नाम बोलना यार। शब्बू। हाँ शब्बू। तो इसको क्या किया यार, इसको भी ना कुछ देना यार। क्या दूं? अरे चांस ही देंगे यार, और क्या देंगे, इसको भी चांस मांगता है ना पिक्चर। पर अरे नहीं, पर नहीं यार, देख इधर आके अपने भाई की थोड़ा लाइट हो जाता है यार। नहीं अरे क्या सोच रहा है, दे देना भाई, हम हैं देंगे बढ़िया से एक अच्छा फर्स्ट क्लास। अरे कहां से, किसको, क्या आइटम नंबर, आइटम नंबर देंगे ना, तड़कता फड़कता बढ़िया सा। हां आइटम नंबर एकदम करेक्ट। हां हां। अरे इसको क्या हो गया? अरे भाई ये ऐसा ही है। ए तू हैप्पी है? वो क्या है ना, बचपन से ही मेरा एक सपना था। क्या? फिल्म में आइटम नंबर करने का। अरे वाह। इसके लिए मैं बहुत कुछ दी। क्या दी? मतलब तेरे को मेरा लाइफ दी पूरा। हाँ और क्या। अरे ना, अरे रात को टिम टिम करता है तेरा जुगनू, जब तेरे को सोचता है कि तू नाच रही होगी। एक्शन। बोलना इसको चिल्लाने का नहीं, नाजुक मामला है ना। ये बोलना इसको केबीसी यार, ये क्या। अरे मेरे बाप आहिस्ता यार।
आज के बाद मुझे बंदा शूटिंग में ही नहीं इस पूरे मुंबई शहर में नहीं देखने का मांगता, समझ गए? अरे बेटा देख, ऐसे खफा नहीं होते, वो गुस्से में बोल गया, चल माफी मांग ले, चल। केबीजी सर, अब बहुत हो गया, कल मैं अपने सेट पर जाकर अपनी फिल्म कंप्लीट करूंगा, वो मेरा सेट है, वहां कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं डिसाइड करूंगा। चल भाई तू डिसाइड कर लेना, देख अभी बात यह है कि तू चल के माफी मांग ले, हैं? मुझे लगता है कि दरअसल में बात यह है कि तू जरा जज्बाती हो के दिमाग से काम ले रहा है, मेरे ख्याल से तू दिल से काम ले ले तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं केबीसी भाई, बात अब समझाने की नहीं है, बात है असूलों की। गधे को बाप बनाना, सेटिंग करना, टोपियां घुमाना, मैनिपुलेशन, ये सब मैं नहीं जानता, मैं फिल्म बनाना जानता हूँ। फिल्म में लिए इबादत है, सेट में लिए मंदिर, किसी डॉन का स्ट्रेसबस्टिंग क्लब नहीं है ये। और वैसे भी केबीसी भाई, आपने तो बड़ा कहा था कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा हो रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मुझे मिला है। आइटम सॉन्ग बात करते हैं आप, केबीसी भाई ऐसा नंगा नहीं सोचते हम, वो तो अच्छा हो गया जो हमारे इरादों का हश्र आपने अभी बता दिया। आइटम सॉन्ग वाओ अमेजिंग, ये तो सिर्फ शुरुआत है समझौतों की, मिस्टर किशन बिहारी चौबे केबीसी। सही है जो तुम कह रही हो, बिल्कुल सही है, ये जो सोच रहे हैं वो भी सही है, वो जो कर रहा है वो भी सही है, और ये फिल्म कंप्लीट करनी है ये भी सही है। हैं भाई, ऐसा करते हैं कि तेरे बदले मैं माफी मांगे लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि तू अब सेट पर जाकर उससे तू चपड़ नहीं करेगा, बस बाकी सब मैं संभालूंगा। हैं बेटा देख, जरा सबर से काम ले और थोड़ा सा मेरा साथ दे दे, हाथी निकल गया है बेटा, पूछ निकल जाने दे मेरे लाल, पूछ निकल जाने दे बस। केबीसी सर, आपसे सिर्फ कुछ ही उम्मीदें थी, आप उन्हें भी निकल जाने दीजिए। हेलो हेलो, यंग जनरेशन है भाई, खून गरम है, होने दो गरम, गरम होना भी चाहिए, लेकिन हम भी जब यंग जनरेशन में थे हमारा खून कभी गरम नहीं हुआ, साला इनका खून कैसे बात बात पे गरम हो जाता है। चलो कृष्ण बिहारी चौबे, लग जाओ काम पे बेटा। बहुत बढ़िया खेल है, हैं? बहुत दिमागदार खेल है, हैं? बहुत दिमाग होगा तुम्हारे पास, हैं? अबे साले तेरे चक्कर में फिर हार गया। अरे क्या है बे, तू हर वक्त चढ़ा रहता है ऊपर, क्या चाहिए तेरे को है? वो भाई जी कहाँ है? भाई जी ये क्या है बे? ये डब्बा है मिठाई का। है लड़का हुआ है तेरे वहाँ है? अरे नहीं, हमारा तो शादी नहीं हुआ, लड़का कहाँ से हो जाएगा। बड़ी किस्मत वाले हो बे, अभी तक शादी नहीं हुई। कहे वो छोड़ो, तुम ऐसा करो ये डब्बा मुझे दे दो, मैं दे दूंगा भाई जी को। अरे नहीं भाई, हम खुद जाके देंगे। भाई जी के मुंह में डालेगा क्या? अरे कहीं भी डाले तुमको क्या मतलब है, तुम बताओ भाई जी कहाँ है बस। अरे यार सीधे चले जाओ तुम ऊपर, वहीं मिल जाएंगे। यहीं से चले जाएं? हाँ सीधा। ये फोटो मेरे ख्याल से दुर्गा जी, देखिए मेरे क्या है कि ये कौन चरांद है जिसके साथ तू गेम बजा रहा है? मैं गेम नहीं बजा रहा, हम आपको बता दें दुर्गा जी, हम क्या है ना कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो ये उसी का गाना बजा रहा। हाँ फिल्म। क्या बोला तू? फिल्म नहीं वो ये अच्छा, सारी जिंदगी मैं एड़ी किसी फिल्म लाइन में हीरोइन बनने के लिए तूने आज तक मेरे को लेकर फिल्म बनाया? ये हमारा अभी अभी हमने नया काम शुरू किया है, हम बतलाने वाले थे आपको, लेकिन ये नया की पुराना? नया पुराना नहीं। ये कौन चरांद है? नहीं ये चरांद नहीं है, नहीं ये डांस है, वो किसका डांस कर रहा था तू? देखिए बड़ी कमर हिल रही है तेरी, तूने मेरे को फिल्म के बारे में क्यों नहीं बताया? हम बतलाने वाले थे आपको। तू जानता है कि मैं हीरोइन बनना चाहती थी, ये मेरा सपना था, और अगर मेरा पति मेरे लिए फिल्म नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? क्यों भाई, अब जीता कि हारा? अरे जॉनी को हराना नामुमकिन है, मैं ही जीता हूँ। मिला क्या भाई से? अरे मुझे लगता है भाई बहुत अभी बिजी हैं।
कुछ देखा क्या? अरे सच पूछो तो देखा तो है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया हमको यार। ज्यादा समझने का नहीं, भाई की बीवी है डेंजर। दुर्गा अखा दुनिया के भाई से फटती है, लेकिन भाई की बीवी से, समझ गया ना? हाँ, समझ गया, कुछ ज्यादा ही समझ गया। अब बात बनेगी। अरे इधर हिला कमर। तू फिर खेला भाई, फिर खेला भाई, भाई, भाई। कौन है तू? केबीसी। देख मेरा हाई बीपी बढ़ रहा है, हाँ मुझे तंग मत कर। अरे हम तंग नहीं कर रहे हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो हनुमान हैं, आपको इस रावण की लंका से निकालने आए हैं। क्या मतलब? हम मतलब ये कि हम जग्गी भाई के सेवक हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर? हाँ हाँ। तेरी तो। अरे अरे देखिए देखिए, नाराज मत होइए, हैं आप बैठे रहिए, बस बात ऐसी है कि अब हमारी नैया को डूबने से आप ही बचा सकती हैं माता। क्या? ए, माता मत बोल मुझे, चप्पल निकाल के मारूंगी तुझे। अरे हद हो गई भाई, हुआ जागी भाई चौराहे पे लटका के मारेंगे, यहाँ घर में आप चप्पल से मारेंगी, हम तो कहीं की नहीं रहे, हमारी तो उम्र ही निकली जा रही है। अरे तू तो प्रोड्यूसर है ना? हाँ प्रोड्यूसर तो है। तू तो फिल्म बना रहा है ना? हाँ बना तो रहे हैं, लेकिन इस वक्त पूछिए नहीं, बहुत प्रॉब्लम है हम। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अब कैसे बताएं कि बहुत प्रॉब्लम है हम, बोलेंगे तो जग्गी भाई मारेंगे। अरे यहाँ नहीं बोलेगा तो मैं ही उड़ा दूंगी। लो वहाँ जग्गी भाई उड़ाएंगे, यहाँ आप उड़ाएंगे, तो क्या हम उड़ते ही रहेंगे? देखिए दरअसल बात ऐसी है कि जग्गी भाई जो है ना, उनका दारू पार्टी और वो बिजली का नृत्य दोनों हमको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मुझे पहले ही शक था, बाप रे, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, वो फिल्म बनाने के बहाने रंगरलियाँ उड़ा रहा है। हाँ हाँ हाँ, रंगरलियाँ तो उड़ा रहा है, लेकिन अब हम क्या करें, आप ही कुछ कर सकती हैं। अरे मैं क्या करूँ? अरे आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप अपने नाम को सार्थक कर सकती हैं, आप हमारी फिल्म में एक्टिंग कर सकती हैं। एक्टिंग? एक्टिंग करूँ कौन? जब मौका था तो किसी ने रोल ही नहीं दिया मुझे। अरे हम देंगे ना, हम आपके दबदबे को पहचानते हैं, आपके टैलेंट की कदर हम करते हैं, हम आपको देंगे एक्टिंग। एक काम करिए, कल से आप रोज हमारे सेट पे आइए और रोज हमारे सेट पे एक्टिंग करिए। हैं? यही प्रार्थना है आपसे, हम आपके पांव छूते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, मैं आऊंगी। हाँ? मैं रोल भी करूंगी, मैं एक्टिंग करूंगी, रोज सेट पर आऊंगी। ठीक है, आप कुछ ठंडा वंडा है जॉनी? एक ठंडा लेके आ रहा है, एक नहीं, ठंडा अंडा नहीं पियेंगे हम, बहुत ठंडा पी लिया। अब ये डब्बा रखिए मिठाई का, धन्यवाद, हम चलते हैं। कल हम सेट पे आपका इंतजार करेंगे माई, बहुत धन्यवाद। तेरी तो, अब इस डब्बे को ना सेट पर आकर ही भरूंगी। वही पुरानी खुशबू। अरे वाह, ये क्या है, इसका गिलाफ उतार ना। तुम्हारे साथ क्या है ये, कमाल की दूरबीन लग रही है। तुम्हारे साथ किसी अजीब सी हरकतें कर रही, कौन है ये? दुर्गा जी, दुर्गा जी है? मैं आशीष डायरेक्टर, ये दूरबीन नहीं है, कैमरा है इसे। अरे कैमरा है तो कितने का आता होगा, एक मेरे लिए भी ला। मैम एक्चुअली ये थोड़ा सा महंगा, नहीं बड़ा है ना ये तो। मैं, अरे छोड़ यार, मैं भी फोटो खींचूंगी तेरी, लाना मेरे लिए। मैम डेफिनेटली मैं आपको फोटो खींचता हूँ ना। हाँ खींच रहा है, खींच खींच, मैं पोज बनाऊँ, ये कैसा पोज लग रहा है? हाँ मैं का, मैम परफेक्ट एकदम, लेकिन मैं कैमरा रेडी कर लूं तो दो 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 ये पोज लेना, मैं खड़ी हूं ऐसे देखता नहीं। रेडी करना पड़ेगा मैडम, वो जरा दो मिनट आप बैठिए। तो मैं तो रेडी हूं ना। आप रेडी, कैमरा नहीं है ना मैडम, ये कैमरा उस तरह की, ये फिल्म 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 में छपती है ना मैडम। अरे यार तो मैं क्या करूं फिर, मैं बैठिए ना प्लीज, इधर बैठिए इधर। चलो यार तुम लोग भाई खींच, जल्दी फोटो खींच भाई, इनकी जल्दी फोटो खींच। क्या खींच रहे हैं उस्ताद? हां जग्गी भाई, जग्गी भाई, जग्गी भाई, अबे तू फिकर मत कर, तू अपना काम कर, मैं निपटता हूँ इससे। क्या बात है, कहाँ घुसा जा रहा है? अरे भाई जी आपके लिए ठंडा लेने जा रहे हैं। बड़ा उड़ रहा है, क्या बात, क्या है आज? अरे अरे मैंने तेरे को बोला था ना कि ये मेरे को दोबारा यहाँ शूटिंग में दिखाई नहीं देने का, इसको ये यहाँ क्या कर रही है?
भाई जी फिल्म का डायरेक्टर ये नहीं रहेगा तो हम फिल्म कैसे बना रहे? मेरे को मतलब नई फिल्म कैसे बनाएंगे है? इसको निकाल के बाहर करें यहाँ से, समझ गया? ठीक है, इसको अभी 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 दुर्गा माया क्या कर रही है? ये यहाँ कैसे आई? का बताएं भाई जी, सवेरे सवेरे चार अच्छा तगड़ा तगड़ा लोगों को लेके आई और हमारी कनपट्टी में बंदूक रख दी, कहने लगी हमारा पति फिल्म बना रहा है, हाँ? फाइनेंस कर रहा है, पैसा लगा रहा है, हमको रोल नहीं दोगे? हाँ तो फिर हमने दिया। क्या दिया? माँ का। क्या दिया बे? माँ का रोल, रोल, रोल दिया, रोल। रे रे रे, बोल रहा हूँ उसको, उसको, उसको निकाल के बाहर कर यहाँ से। भगवान, हम किस किस को निकाले, फिर फिल्म कौन बनाएगा? मेरी बात सुन, फिल्म। ये मेरा प्रोड्यूसर है, इसको हाथ भी लगाया ना तो हाथ काट डालूंगी। नहीं 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 नहीं, आप दरअसल गलत समझ रही हैं, आप खामखा परेशान हो गई, हम तो खेल रहे थे दुर्गा जी। मैं सब जानती हूँ, तू क्या कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, वाकई में आप पूछ के देख लीजिए ना, इनसे पूछ के देख लीजिए। बोलना यार, तुम्हें क्या बोल रहा था तेरे से? भाई आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमारी बाई को फिल्म में रोल दो। और क्या, और कुछ बोलना है भाई? और क्या बोला आप? घटिया रिंगटोन क्यों रखते हो? हेलो हेलो, देखिए हम झूठ टाइप की कोई बात नहीं बोल रहे, आप शूटिंग कीजिए अपनी आराम से, आप आराम से शूटिंग कीजिए। मेगा है ना, फेस चेक करना है। पिक्चर पिक्चर टाइम पे खत्म नहीं हुई ना साले, तेरे को ना ऊपर से 6 इंच नीचे कर दूंगा, समझ गया? ओए ओए, ये रिंगटोन तो, अरे ये रिंगटोन तो चेंज करवा ले अपने चेलों के फोन का साले। ए, ये आईने में क्या देख रही हूँ? अरे यार इतने गंदे कॉलर के रखते है यार, दूसरे बंदे के हाथ भी गंदे होते हैं साथ में साफ करते करते। बना कोई दिक्कत हो हमसे बोलना, चलते हैं दुर्गा जी। हाँ चलो चलो। अरे यार तुम्हें 25 बार बोलना पड़ेगा चलने के लिए, बैल के समान खड़े हो आपके, चलते क्यों नहीं हो? चल चल, शॉट लगा, एक्टिंग करनी है मुझे। चल चल खींच। क्या क्या मैम? मेरा फोटो खींच। मैम मैं शॉट रेडी करता हूँ ना। ए वो बड़े वाले कैमरा से खींच। मैं खींचता हूँ ना मैम, आप चलिए चलिए, आप वहाँ बैठिए, चल खींच दे यार। यहाँ सुन, एक काम कर, जल्दी से इनका फोटो खींच लेने, जग्गी भाई हमारा फोटो खींच लेंगे। क्या सर? हाँ लावारिस देखा है? हम देखे हैं, उसमें उसमें एक फ्रेम खाली रहता है, ऐसे जग्गी भाई के यहाँ 2 फ्रेम खाली हैं, उनका फोटो नहीं खींचा तो एक में तेरा फोटो लग जाएगा, हमारा लग जाएगा। जल्दी फोटो खींच और काम खत्म कर। अरे क्या सर, सब कहते खींचो खींचो, काम खत्म करो। कहाँ से काम खत्म करूँ, ये नहीं नोटों की उठा के लाए आप? ओ माता जी, बच्चा हूँ आपका, लो पहले ठंडा ठंडा पियो और कूल कूल हो जाओ। वैसे माता जी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं स्टार हूँ इस फिल्म का, बैठ जाऊं? बैठ। बच्चा अब यहाँ मेरी मर्जी से सब कुछ होगा। बिल्कुल जी। मालूम है 20 साल से मैं स्टूडियो के चक्कर काट रही हूँ, किसी ने मेरी एक फोटो नहीं खींची, और आज आज मेरी फोटो खींचेगी। ये मेरा स्टूडियो है, मेरा पैसा लगा है। ये बताओ माता जी, तीसरा तो घना मेरे बापू का भी लग गया, मैंने मेरा बहुत मारा का मैंने। मैं मीना कुमारी की जिट्टो कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा बता क्या करना है? मैम अभी आपके शॉट से शुरू करते हैं, आप ये 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 आपके डायलॉग्स है, कुछ लाइनें हैं बस इन्हें याद कर लीजिए। पवन थोड़ी सी है बस, ये लास्ट लास्ट पेज पूरा याद हो गया। बुला हीरो को। याद हो गया मैम, बुला बुलाऊं? सोमो। हाँ मास्टर जी। सोमो तुम दोनों की सीन से पहले शुरू करते हैं ना। हाँ। है ना, ये आपकी माता जी है। अच्छा। ये आपके बेटे हैं। तुम्हारी माता जी तुम्हें लेने आई हैं, तुम्हें देख के बहुत खुशी आते हो, गले मिलते हो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे अच्छा। ये तुम्हें लेने आई हैं, तुम जाना नहीं चाहते, ओके? सीन समझ लो, समझ गए? जाना नहीं है। ओके मैम, आप समझ गई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके साइलेंस एवरीबॉडी, रोल साउंड, रोलिंग, कैमरा रोलिंग, एक्शन। कट कट कट। क्या हुआ मैम, क्या हुआ? यहाँ बहुत सारी भीड़ है, सबको निकालो यहाँ से, वो लोग देखते हैं मुझे। मैम इन सबको निकाल दूंगा तो फिर फिल्म की शूटिंग कैसे करूंगा? कहना कि मैम की फिल्म एक आदमी से तो बनती नहीं है, सारे लोग मिलके मेहनत करेंगे तब जाके तो फिल्म बनेगी ना मैम। अरे इतने लोगों की जरूरत क्या है? अब वो सब छोड़िए ना मैम, आप कुछ ठंडा बना लेंगी? कुछ कुछ ठंडा 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 स्पॉट। माता जी ठंडा रेडी है, ठंडा आ गया। बड़ी गर्मी है यहाँ, कोई एसी वेसी नहीं है? एसी
मैम ये शूटिंग फ्लोर पे एसी नहीं है। अरे यार बहुत पसीना आ रहा है देख मुझे। आप ठंडा पीजिए ना मैम प्लीज। आप बेटर फील कर रही हैं तो एक और ट्राई करूं? हाँ हाँ शॉट। ठीक है पकड़ इसे। दुर्गा इसे ये क्या लगा रहा है? जाकर ये कौवे के अंडे को अपनी मुंह में लगा। हरामजादे। ओके साइलेंस एवरीवन। रोल साउंड। रोलिंग। कैमरा। रोलिंग। एक्शन। माँ तू आ गई। माँ माँ हट हरामजादे। मैं तेरी माँ हूँ महबूबा नहीं। लो भाई फेरोगी बेइज्जती मारी तो। दुर्गा ए हमको मालूम है तुमको क्या परेशानी है। शेर को मारने के लिए हम हाथी लाए रहे। हाथी को मारने के लिए बंदूक कहाँ से लाएं? ये हाथी नहीं है एटम बॉम्ब है। अरे एटम बम है तो फ्यूज कर देना। क्या हो क्या बोलती बंद कर। अच्छा अब वो भी मैं करूँ कैसे? अरे भैया तू डायरेक्टर है अपनी डायरेक्टरी दिखा ना। एक्टिंग का बहुत कीड़ा है इसको। दिखा दे अपनी डायरेक्टरी दिखा दे। ए 2020 इधर आ। एक काम कर वो बड़ी वाली लाइट है ना सामने उसका तार काट दे। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैडम ने बोला तार काट दे तो काट दे काट दे काट दे। मैडम और कुछ आप कुछ ठंडा वंडा? अरे यार दो दिन से ठंडा वंडा पिला रहा है कुछ गरम ला गरम। हाँ? अरे डर क्यों गया ठर्रा थोड़ी मांगा है चाय ला चाय। मैडम के लिए खड़ी चमचा है जा जल्दी। हे एक बात बता तू ये फिल्म का डायरेक्टर है ना? हाँ। तो तूने कहानी पढ़ी है? तो बता तो इसमें मेरा कैरेक्टर कैसा है और अगर इसमें मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है तो तू इसे ठीक कर क्योंकि मेरा मर्द पैसा लगा रहा है। मैम ये सब चिंता आप छोड़ दीजिए। चिंता तो आप कीजिए ही नहीं। इस फिल्म में काम करने के बाद पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। सब कुछ मिलेगा। आप ऐसी दिखेंगी ऐसी दिखेंगी ऐसी दिखेंगी जैसे ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय आप तो उससे भी आगे जाएंगी। उससे भी आगे सीधे बोले तो हॉलीवुड। सच्ची? अरे मुच्ची मैं कह रहा हूँ ना इस फिल्म में काम करने के बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपके कदमों में होगी। ये मैं क्या नहीं मिलेगा सोचो। ये ढेर सारे इनाम ये ढेर सारी शौहरत हाँ? ये ढेर सारे फिल्मों के ऑफर। यानी बोलता जा डायरेक्टर बोलता जा 20 साल की कसर पूरी कर दे। अरे मैम प्रोड्यूसर्स की तो लाइन लगेगी ये लंबी लंबी ये लंबी लंबी। मंदिर की लाइन से भी लंबी? क्या मैडम मंदिर? अरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स मंदिर नहीं जाएंगे लेकिन आपकी चौखट पे माथा टेकने 100% आए। सबके ऑटो पर सिर्फ एक ही नाम होगा। क्या? दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी। तू मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा? हाँ मैम मुझे मर रहा है। सच्ची बता ये सब होगा कैसे? मैम सिंपल है जो मैं बोलता हूँ आप कीजिए। आप मेरे साथ मेहनत कीजिए। तो बताओ क्या मैं अब दंड पेलूं? अरे आपको अखाड़े में पहलवान थोड़ी बनना है आपको तो कलाकार बनना। कलाकार? मैम एक कलाकार क्या करता है? अपने किरदार अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता है। आप भूल जाइए ये सब भूल जाइए। आप भूल जाइए कि आप दुर्गा देवी हैं। आप बस अपने कैरेक्टर अपने किरदार के बारे में सोचिए। जागते सोते उठते बैठते हर वक्त। ये तो बड़ी मेहनत वाला काम है। कम ऑन ना मैम आपके लिए कुछ भी मुश्किल है क्या? जैसे मैं बोलता हूँ वैसा कीजिए ना। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप एक माँ है जिसका बेटा जो है वो चला गया। आप जो है वो सदमे में। सदमे क्या? आप गुमसुम सी आप डाउन एंड डिप्रेस्ड आप बिल्कुल ना चुप है खामोश चुप एकदम चुप।
चुप चुप रहना पड़ेगा। कितना चुप? मैम एकदम चुप रहना पड़ेगा। ये डायरेक्टर, ये बड़ा मुश्किल काम है, चुप नहीं रह सकती, कोई और रास्ता निकालो। मैम तो आई एम सॉरी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लगे रहो मैम, लगे रहो मैम, यही बस ऐसे ही। अरे एक गिलास पानी दे भाई। हे शंकर। हाँ जल्दी कर, खाना वाना जल्दी लगाओ, और हीरोइन को दो चाय अच्छा बढ़िया सा बना के दो, खाना पीना सब बढ़िया होना चाहिए। और भाई हमरे चाहते चमन काहे उदास बैठे हो? कुछ नहीं ताऊ, ऐसे ही। ऐसे? अरे ऐसे कैसे यार, देख तू साइड की रौनक है, तू उछलता कूदता ही हमको अच्छा लगता है, ऐसे उदास बैठोगे तो हम भी उदास हो जाएंगे, समझे ना? अरे कोई बात दिल में है तो बता ना, हम है ना तुम्हारे ताऊ, हमें बता क्या है। की बताऊं ताऊ? अरे बापू ना जाने कौन सी दिलीप कुमार की फिल्म देख ली और दिलीप कुमार बनने का सपना देखने लग गया। उसका सपना पूरा होने से पहला मैं पैदा हो गया, उसने अपना वो सपना हमारी आंखों में डाल दिया। बोला की करेगा काम में रह के, जा बंबई जा और हीरो बन। पीछे दिए और मैंने टेशन भी छोड़ना आया, गाड़ी बंबई आ गई और तब मैं वो हीरो बनन की भाग दौड़ में लग गया। पर सच कहूं ना तब मैंने तो आज भी लगा कि मेरा बापू वही टेशन पे खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। तब आज मैं हीरो बन गया और सच कहूं तो यो हीरो बनने की खुशी भी है मने, पर वो खेत, वो कुआ, वो तालाब, वो भैंस की पीठ, वो अमरूद चुराना और चौकीदार को भगाना, वो माँ बाप की मार, सब कहीं पीछे रह गया था। बड़ी तकलीफ होती है ताऊ, यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ कि यो सुसरी तकलीफ बड़ी है या फिर यो हीरो बनने की खुशी। देख बेटा एक बात याद रख ले, इंसान को हर चीज की वैल्यू का पता दूर जाके ही लगता है, समझे ना? हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उससे बड़ा बने, हमरे बाप का भी यही सपना रहा होगा कि उसका बेटा बड़ा बन जाए। हाँ बचपन में ही हार्ट फेल हो गया, मर गया, हम जीवन की आपाधापी और तीन बहनों की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब बचपन से पचपन के हो गए हमको पता ही नहीं चला। इस माया नगरी में फंसे हैं, माया नगरी है, काला जादू, यहाँ सबके सपने पूरे होते हैं, तेरे मेरे, ये रघु बैठा है इसके और ये इनके, ये यहाँ जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं सबके सपने पूरे होते हैं, वही हम कर रहे हैं, लोगों को खुशियाँ बांट रहे हैं। अब देख ये हम रंग बिरंगे कपड़े काहे पहनते हैं, तू पहन सकता है ये कपड़े? हैं नहीं ना। अरे हम लोगों को यहाँ खुशियाँ बांटने के लिए कि लोगों को मजा आ जाए, और कुछ भी हम करने को तैयार हैं बस। हाँ समझे ना, और खुश रह रघु, ला कुछ। हाँ अरे चल खाना लगा जल्दी। हाँ बेटा इस नगरी को समझो, बहुत सुख देती है और दुख भी बहुत देती है। हाँ ले खाओ, खा ले मेरे लाल और खुश रह। ले देख क्या बढ़िया दाल है और क्या बढ़िया कुदरू की सब्जी है, खा ले खा ले। अरे काम को देख रहा रे हमरा, खा बेटा। ताऊ हाँ बोल। बाकी के पैसे ना बापू जल्दी भिजवा देगा। अरे बुढ़ बाग तुझसे किसको पैसा चाहिए रे, अपना फिल्म बनने दे, हिट होने दे, फिर यहाँ से पैसा ले जाके अपने बाबू को दे देना। हाँ तभी ना वो समझेगा कि हमारा बेटा कामयाब हीरो बन गया है। हमको नहीं पैसा वैसा चाहिए, हम तो वैसे ही घर आते रहते हैं, लोगों को इनको ये ससुरे काम करेंगे नहीं तो। हैं ये दो घंटा लेट आता है तो सोच हमारा ऐसा छाती फटता है कि पता नहीं कौन मुसीबत में फंस गया है।
हमको सबका फिक्र रहता है, तू का पैसा की बात कर रहा है, चल खा आराम से और खुश रह बस। अवका यार राहुल ब्लॉक लेंस बोला तो ज़ूम क्यों लगाया फिर? हाँ अरे तो शॉट कैसे करते फिर? हाँ। नहीं है वो शॉट मास्टर जी। हाँ बोलो। मुझे वो वाला सीन एक बार दोबारा करना है। कौन सा सीन? वही बर्दाश्त वाला। हाँ हाँ वो ओके हो गया, परफेक्ट है मास्टर जी। एक बार, सिर्फ एक बार। वो ओके टेक है और अपने पास स्टॉक भी नहीं है। ओके मास्टर जी, स्टॉक के पैसे मैं दे दूंगा, सच कह रहा हूँ, बस एक बार कर लेने दो। पैसे की बात ना, तुम मुझसे मत करना। अरे ठीक है भाई, इतना दिल से कह रहा है तो एक साथ ले लो दोबारा से। अरे क्या अरे भाई, स्टॉक की क्या बात करते हो, तुमको तो खुश होके करवाना चाहिए एक साथ। हैं दो डब्बा बचा, एक डब्बा लगा दो इसमें का। चल चल कर भाई, तू खुश रह। थैंक यू ताऊ। हां हां करो, करने देना उसको, एक बार करने दे। तो करो, तो फिर करो, जाओ तुम ही जाओ। ठीक, होल्ड दिस। सीन याद है? सीन याद है? हां याद है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लेंस ज़ूम ही लगाना। ओके चलो, रेडी? या रोल साउंड। रोलिंग। कैमरा रोलिंग। एक्शन। मैं आज तक सब कुछ बर्दाश्त करता आया हूं सिमरन, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे भी कुछ सपने हैं, जिंदगी है, फैमिली है, माँ बाप सब है, लेकिन तुम और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलूं। नहीं, ये नहीं हो सकता सिमरन, ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, शायद अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। लेकिन उतना ही प्यार मैं अपनी मां बाप, अपने देश और देश की मिट्टी से भी करता हूं। उनके लिए मेरे कुछ फर्ज हैं जिनको निभाना मेरा कर्तव्य बनता है। मुझे जाना होगा, हो सके तो मुझे माफ कर दे रघु। ये तो अचानक ही बदल गया भैया, कहाँ देख रहे हैं? सीखो उससे जरा। कुछ सुन, कॉम्पैक्ट किया था ना? हेलो बापू, आज तू यहाँ होता ना तुम्हारे खुशी के बावड़ा हो जाता। आज तेरा सोमू सचमुच का हीरो बनेगा बापू, सारी यूनिट ने तालियां पीटी तेरे सोमू के एक्टिंग पे बापू। एक बात बोलू, आज जो मैंने डायलॉग बोला ना, था तो फिल्म का लेकिन सीधे दिल पर असर कर गया। बापू अब देखता जा मैं तेरा नाम कैसे रोशन करता हूं। हाँ अच्छा, माँ तो जरूर बता दी वाली बात। हाँ लगा लूंगा काला टीका, चिंता मत कर। ठीक है बापू, जय राम जी की। आशीष एक बात बताओ, जो दिन में मैंने सीन्स किए थे उसमें इमोशंस थे करेक्ट? अरे बहुत बढ़िया डायरेक्टर साहब, दुर्गा माँ को तो एकदम गूंगी गुड़िया बना दिए हैं आप। ऐसा लग रहा है कि चूहिया पारा खा के बैठी है, देखो तो। लाइट शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? ये लाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ अभी अभी कर। आज तो इश्क को कोई ख्वाब सिख जाएगा, कोने में सुलगता था जो आंखों से छलक जाएगा। धीमी
समझते नहीं, ये इश्क ही तो है, ये नहीं और कुछ, देख हद से गुजर जाएगा। गुजर जाएगा से गुजर जाएगा। डायरेक्टर हे डायरेक्टर इधर आ रहे हैं। यार आज ना थोड़ा पीला हूँ, माफ करना मुझे। कैसा है तू? ठीक हूँ। क्या कैसे चल रहा है तेरा काम धाम? ठीक। तेरा शूट वूट एकदम करेक्ट? जी। ओ कैसे कर रही है दुर्गा? अच्छा कर रही है। माँ का रोल करा रहा है उससे? हाँ। माँ की एक्टिंग यार वो कर पाएगी? नहीं कर पाए तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तू ठीक है? जी बिल्कुल। नहीं मैं ये सोच रहा था कि आज चल तेरे को छोड़ दूँ। क्या? हाँ तेरे को छोड़ देता हूँ मैं। क्या डर लगे ला है मुझसे? नहीं नहीं ना, तो आना तेरे से आज बात करते हैं ना यार खूब सारी। आ जा आ जा आ जा पीछे आ जा। ये चल रहे जाने बाहर निकल और जरा इसके लिए पीछे दरवाजा खोल। ओ आगे बैठ। आ जा आ जा आ जा बैठ बैठ बैठ। हाँ भाई चलो 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 आगे चलो।
यार तुझे देखता हूँ ना तो तेरे अंदर कुछ बात है साले, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स भाई। नहीं भाई बोला तो थैंक्स वैंक्स नहीं। तू भले घर का लड़का लगता है, तेरा कपड़ा पहनने का स्टाइल एकदम करेक्ट है। ये तू मेरे को दिया नहीं वो क्या भाई? वही सेंट का बॉटल। क्या है ना भाई कि आजकल शूटिंग में थोड़ा सा बिजी है तो हाँ। शूटिंग के बाद में दूंगा आपको। हाँ लेकिन देना ठीक है जी। तुझको मालूम मेरा फादर ग्वालियर में पढ़ाता था, मैं भी पढ़ता था कॉलेज में। मेरा फादर मेरे को पुलिस में देखना चाहता था। तो आप यहाँ मुंबई कैसे आए? वो बीमार पड़ गया, उसको कैंसर था, इलाज के वास्ते मुंबई आया। पैसा था नहीं मेरे पास में, उसके बाद यहाँ दुर्गा मिल गई, उसके बाप ने रहने के वास्ते घर दिया। मैंने पढ़ाई छोड़ी, काम ढूंढा ताकि बाप को बचा सकूं। टेढ़ा काम मिला, पैसा बहुत था उसमें, मैं उसमें फंस गया। बाप को तो बचा नहीं सका, दुर्गा जरूर मिल गई। फिर एक बार खुद बाप बनते बनते बच गया, आज के नहीं बचता तो आज कम से कम घर में जिंदगी एकदम करेक्ट होती। भाई तो आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते है? अरे तू बोल रहा, तू बिल्कुल बच्चा लगता है मेरे को मेरा। इस लाइन में आना बहुत आसान है, वापस जाना बहुत मुश्किल। जगी भाई रात बहुत हो गई, सुबह होने वाली है, चलते हैं। सुबह तो नामालूम कब होगी, लेकिन क्या है कि रात का अंधेरा मास्टर जी, मैं ऐसे आऊंगा और एंट्री मार दूंगा, ठीक है? अरे भाई काहे सुस्ती मचा रखी, क्या हो रहा है यहाँ? सर अब क्या हुआ? अरे वही हम पूछ रहे हैं, क्या हुआ, कितना काम बाकी है? अब कुछ काम बाकी है, टाइम लगेगा सर। अरे भाई तो जल्दी छापना यार। अरे क्या जरूरत मशीन है, छपाई करता रहूं मैं? अरे तो कौन सा मुगले आजम बना रहे हैं सर, अच्छे काम में ना टाइम लगता है। अरे भैया टाइम की ऐसी की तैसी, हमारा पैसा खत्म हो रहा है और ये हाथ से जगह जा रही है, तू जल्दी से छाप ले नहीं तो शूटिंग कहाँ करेगा? कितना काम बाकी है अभी? सर अभी लास्ट सीन है माँ बाप का, बस उसके बाद कुछ पैच वगैरह कहीं पर भी कर सकते हैं, फिल्म खत्म। अरे खत्म तो जल्दी छापना यार। अरे फिर आप कहते हो छाप लो, कहाँ से छापो, एक्टर नहीं है मेरे पास। तो क्या चाहिए तुमको? बाप। बाप कितना बाप चाहिए? सर बाप कितने होते हैं, बाप एक ही होता है, एक बाप चाहिए मुझे। एक बाप से कम चल जाएगा? अरे सर मुझे बाप नहीं चाहिए, रोल के लिए बाप चाहिए। जिस बाप को बुलाया था वो लंदन चला गया बड़ी फिल्म की शूटिंग के लिए, अब कहाँ से लाऊं बाप? अरे भैया उस बाप को लंदन जाने दे, तू यहीं कहीं किसी को पकड़ ले बाप यार। काहे हमरे तरफ काहे देख रहे, हम नहीं बनने वाले बाप। आप चलिए ना। अरे नहीं हमारा शादी नहीं हुआ यार, हम नहीं बनेंगे, हमको तजुर्बा नहीं है बाप का, नहीं हम नहीं बनेंगे। क्या है ना कि तू खेलता अच्छा है लेकिन तू बहुत ज्यादा खेलता है साला। सर वो कैसा रहेगा? कौन वो सर? ओह सांड, अरे दिमाग खराब है तुम्हारा यार, वो बात बात में तो गोली चलाते, उसको तुम बाप बनाओगे, उसे एक्टिंग करवाओगे? ट्राई करूं? ट्राई जाओ करो ट्राई, घंटा भर तक हम बाहर जा रहे हैं, अगर गोली की आवाज सुनाई नहीं दी तो हम समझ लेंगे तुमको मिल गया है बाप। जाओ ससुर, ऐसी बात करेगे तुम यार? ये देखो गए हुआ बाप ढूंढने, तुम लोग झेलो हम तो चले। बहुत खेलता है तो इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है। जगी भाई आई नीड योर हेल्प। हाँ बोलना मेरी जान। असल में क्या है कि आज हमारा एक एक्टर आने वाला था वो आया नहीं है। हाँ
फिल्म का लास्ट सीन है, इसके बाद फिल्म कंप्लीट। हाँ तो बोल के उठवाने का आएगा उसको ये जॉनी। हाँ समझ गया भाई, अभी साले का गेम बजा के उसके और उसके पूरे खानदान को उठा के लाता हूँ। नहीं 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 प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अरे तो फिर क्या करना है? अरे भाई मैं तो बोलता हूँ साले का गेम बजा के गला काट देता है। यार तू जब सोचता लफड़े वाला क्यों सोचता साला, ये मेरे को अभी शरीफ आदमी बनने का यार, मेरे को इलेक्शन में खड़ा होने का ना भाई। हाँ बोल बोल, तू क्या मांगता भाई? कुछ नहीं, एक आदमी जो बाप का रोल कर सके। हाँ तो बोल ना, किसे चाहिए? मैं चाहता हूँ कि आप ये रोल करें। अबे यार मुझे तो लगता था कि तू एक ठीक ठाक से पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन तेरे तो दिमाग ही सर के अला साला। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली मैं चाहता हूँ कि ये रोल आप ही करें। अबे ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्यों नहीं हो सकता भाई, जब मुन्ना भाई MBBS हो सकता है तो आप हीरो क्यों नहीं हो सकते? अबे नहीं बे, लफड़े वाला काम है, लफड़े वाला काम है। एक काम कर तू, तो क्या करें? ए तू एक काम करना, इसको क्यों नहीं बना देता? अरे भाई ये आपने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया। एक बार बहुत बचपन में हम धर्मेंद्र का शूटिंग देख रहे, उस वक्त सोचा था कि हम इस तरह के हीरो बनेंगे, लेकिन बन नहीं पाए। अरे तो प्लीज ना यार, बात कर रहा हूँ ना सर, प्लीज। अरे यार तू भेजा फ्राई मत कर यार, तुझे खा बखा। जगी भाई आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए, और मैं ये जानता हूँ कि आप ये कर सकते हैं, प्लीज। क्या क्या करने का होगा? कुछ नहीं है, सिंपल है, एक पेज के डायलॉग्स पढ़ने हैं, याद करके बोलने, बाकी मैं संभालूंगा। अरे काहे परेशान कर रहे हैं भाई, जब वो मना कर रहे हैं तो रहने दो, हम बन जाएंगे ना, एक एक्टर का पैसा बचेगा, हम बन जाएंगे। प्लीज ना यार, लो प्लीज एक पेज डायलॉग पढ़ने का बस ना। जी क्या यार, तेरे को उंगली दिया तू साला पोंछा ही पकड़ने लग गया। चल ठीक। आज बड़ी जच रही है ये। अरे बोलेगी नहीं कुछ? जी नहीं मैडम, मेहनत कर रही हैं, वो कैरेक्टर बनके कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं अपने रोल के लिए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब बोलेगी ही नहीं? नहीं, जब तक शूटिंग नहीं हो जाती। बहुत बढ़िया है, तो ये काम कर, तेरे को और जितने पैसे चाहिए मुझसे ले ले, लेकिन इसको ऐसा ही रख। हालांकि मैं तेरे को बतला दूं, ये बहुत ज्यादा टाइम तक चुप रहने वाली है नहीं। चल बतला क्या करना है। देखिए क्या है कि आप दोनों मियां बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ, हीरो के माँ बाप। हीरो यानी आपका लड़का आपको छोड़ के चला गया है। हमारा लड़का यानी आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया है, और दुर्गा जी जो माँ है वो शौक में है, सदमे में है, आप इन्हें लेने आए हैं। ये बेसिक स्टोरी है। आप ये सर आपकी लाइन है। अरे यार ये बहुत लंबा है यार, ये सब याद करने का होगा। क्यों उड़ गया, उतर गया एक्टिंग का भूत? ले भाई ये तो बोल गई डायरेक्टर, गया तेरा कैरेक्टर। अरे तेरा काम नहीं है, जा जाकर वही कर जो तू कर रहा था। वही करूंगा जो मैं कर रहा नहीं, था नहीं। ना इसके साथ कुछ काम हो सकता है, ना कम बखत जिंदगी बिताई जा सकती है। अरे जा जा जा। मैम प्लीज आप क्यों ऐसे? यार देख तो किसी और से करवा ले, मैं बोल रहा हूं। भाई प्लीज देख मेरी बात सुन, तो किसी और से करवा ले। एक बार छोड़िए ना, छोड़िए ना प्लीज, मेरे लिए छोड़िए ना, भूल जाइए एक बार। चल ठीक है, करवा क्या करवाना है। जगी भाई ये लाइनें, एक काम कीजिए आप सर, आप ये लाइनों को देख लीजिए, आप इनकी आंखों में देख के डायलॉग बोल दीजिए,
अगर आप भूल गए तो स्क्रिप्ट को देकर डायलॉग बोल सकते हैं, बाकी मैं संभालूंगा। ओके सर, ऑल द बेस्ट सर। तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। मैं भी थक गया हूँ भागते भागते, मैं भी थक गया हूँ भागते भागते। एक्शन। देख, हम तुझे बताएं कि तेरे को छोड़ के हमारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, और हम भी अब जो है थक गए हैं भागते भागते। क्यों एक दूसरे से भागते रहें, क्यों एक दूसरे से जुदा रहें? उसके लिए जो अब सिर्फ हमारे सपनों में जी रहा है, जो हमारे कलेजे का टुकड़ा था लेकिन अब वो हमारे पास में नहीं, हमको भी मां बनने की उतनी ही ख्वाहिश थी जितनी तुझे मां बनने की, लेकिन इस चक्कर में हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर आ गए हैं कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो सपना ही दिखाई देता है कि कभी हम दोनों एक दूसरे के आसपास खड़े थे, और जो आज नहीं है, जो चला गया, उसके लिए हम अपने आज को क्यों खराब करें? काहे एक दूसरे को भूल दें, भुला दें, क्यों एक दूसरे पर इल्जाम दें? हम लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं ना, अपने बच्चे को आज अपने घर की जीती जागती दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहें और दुनिया भी सुखी रहे। तो छोड़ यार, चल आ, आ। आपको क्या लगता है फिल्म खत्म हो गई होगी? नहीं, अभी नहीं। और इसके बाद क्या करेगा भाई? हम शादी करेंगे दिल्ली जाकर। क्यों, शादी के लिए दिल्ली क्यों? सर, वो हम लोगों की फैमिली है वहां पर। हम नहीं है तुम्हारी फैमिली में। कैसी बातें कर रहे हैं केबीसी भाई, अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। आपके बिना हमारी फैमिली बिल्कुल अधूरी होगी। और तू भाई मेरे शेर, तू क्या करेगा? मैं तो सबसे पहले रोहतक की बस पकड़कर अपने माँ बाप को दूर जाऊंगा ताऊ। जैसे दी एंड होने से पहले अपनी फिल्म का हीरो जाता है। पर ताऊ, थारी वो फिल्म ना थी मारता ही, बल्कि एक स्कूल था, और तू है उस स्कूल का हेडमास्टर। तने मार तो सिखा दिया कि अगर आदमी सच्ची लगन से मेहनत करे ना तो आसमान में भी छेद कर सकता है। बस एक पत्थर उछालन की देर है, वो भी तबीयत से। वो सब तो ठीक है केबीसी भाई, मगर इसके बाद आप क्या करेंगे? अरे भाई, मैं तो दूसरी फिल्म बनाऊंगा। जाने कितने आशीष, अवंतिका और ये सोमवीर अपने सपनों की दुनिया में किसी केबीसी को खोज रहे होंगे। हाँ, उनके सपने पूरे करने हैं हमें, उनके हौसले बढ़ाने हैं। बस यही सब करूंगा मैं। जगी भाई, हेलो। अरे डायरेक्टर, अरे मैं बोलता है
अब मैं बाप बनने वाला हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं जगी भाई, बहुत 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 बधाई हो आपको मेरी तरफ से। अरे थैंक यू। अरे भाई हाँ अब बन गई अपनी बात। ये प्यास दिल को जलाती है यारो, दिल न कहीं भी लगे, साकिया को जलाने को निकला, ले आस के मैं दिए, ले आस के मैं दिए हर नए रास्ते। जिंदगी है एक जुनून, दिल मेरी उस रास्ते में आया। सपनों का जो जहां चाहता था उसको हासिल करूं, है उसकी जानिब चलूं, उसकी जानिब चलूं, हाथ में थाम लूं।